भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। गंगा मैया की जय हो। श्री यमुना मैया की जय हो। भारत माता की जय हो। श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो। सर्वदेवमयी श्री गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे। धियं सदा परिभव नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं भ्रत्यार्तिहं प्रणतिपालिभवातिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषिति करान विनीरदाभा पीतांबरा दरुण वेंब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद निद्रा कृष्णात् परम किमभिदत्वमहं न जाने अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरोर्पदं मंत्र मूलं गुरोर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरोर्कृपा नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमार गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे की दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार श्री वृष भानु की लाडली निक मेरी ओर निहार जय जय श्री राधा रमन जय 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 गोपी जिद जोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय।
अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार हरि नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात ठाकुर जी की पावन पवित्र कथा को हम आप सभी श्रवण करेंगे। श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे।
वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। आनंद कंद जी नंदन, भगवान श्याम सुंदर जी की कृपा से प्रातस्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बार बार वंदन। भगवान की पावन सन्निधि में विराजमान सभी धर्म प्रेमी बंधु बांधव, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, इस व्यास पीठ से सभी को बार बार वंदन, बार बार नमन। श्रावण मास में हिमांचल नगर माता जगत जननी भवानी की गोद में बैठकर द्वादश ज्योतिर्लिंग शिवधाम पनियाला की इस पावन धरा पर यह दिव्य श्रीमद् भागवत कथा, जिसके षष्टम दिवस छठवे दिन को आज हम आप सभी प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए चित सार सिंधु युगल सरकार राधा गोविंद, जो शब्द रूप में श्रीमद् भागवत स्वरूप में हमारे सामने विद्यमान है, प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए इस भागवती गंगा में प्रवेश करते हैं। साप्ताहिक यह ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान भागवती गंगा, जिसमें हम आप सभी विगत 5 दिनों से गोता लगा रहे हैं, आज छठवां दिन है। कृष्ण कथा भागवत महापुराण को श्रवण कर रहे हैं, कल आप सुन रहे थे माखन चोरी लीलाएं ब्रजवासियों को किस प्रकार आनंदित कर रहे हैं प्रभु। ब्रजवासियों के द्वारा कृष्ण ने गिरिराज का पूजन करवाया, हम सभी ने मिलकर के कल गिरिराज पूजन किया। सब ब्रजवासी हर वर्ष इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन इस बार कृष्ण के कहने पर गिरिराज को पूजा है। दीपावली के दिन इंद्र की पूजा होती थी, पर इस वर्ष पूजा हुई नहीं। इंद्र ने सोचा आज भूल गए होंगे, कल पूजा कर लेंगे। तो दीपावली के दूसरे दिन ब्रजवासियों ने गिरिराज को पूजा, दूसरे दिन भी नहीं। इंद्र ने सोचा भूल गए होंगे, कल फिर से पूजा कर लेंगे। तो दीपावली के तीसरे दिन भैया दूज का उत्सव मनाया जाता है, भाई दूज जिसे कहते हैं, ब्रजवासियों ने वो मनाया, उस दिन भी पूजा नहीं। इंद्र को रोष हुआ। मैंने कल भी आप सबसे निवेदन किया था कि भगवान की लीलाएं यदि हम विचार करें तो भगवान की प्रत्येक लीला अध्यात्म को दर्शाती है। सिर्फ गोपियों को या ब्रजवासियों को प्रसन्न करने के लिए ही लीला नहीं की थी ठाकुर जी ने, भगवान की लीलाओं ने देवताओं के मान का भी मर्दन किया था।
कृष्ण का अवतार सिर्फ राक्षसों को मारने के लिए नहीं, देवताओं के अभिमान को दूर करने के लिए भी हुआ है। भाई राक्षस तो अधर्म करते हैं, पाप करते हैं, भगवान को मार देते हैं। देवता तो धर्म का प्रतीक है, वो तो ऐसा करते नहीं है, लेकिन देवताओं को कभी कभी अपने करने पर अभिमान हो जाता है, तो अभिमान को भी तो भगवान मारते हैं, मान का मर्दन करते हैं। एक बार किसी ने पूछा था ना कि भगवान का अवतार क्यों होता है, राक्षसों को मारने के लिए या भक्तों पर कृपा करने के लिए अवतार क्यों लेते हैं भगवान? और जब कृपा करनी ही है, भक्तों को बचाना है, उनका उद्धार करना है, तो ऐसे ही कर दे। अलग अलग तरीके से क्यों आते हैं? कभी सूकर बन के आ जाते हैं वाराह रूप में, कभी सिंह बनकर आ जाते हैं नरसिंह रूप में, कभी राम बनकर आते हैं, तो कभी कृष्ण बनकर आते हैं। भेष क्यों बदलते हैं? अरे जैसे हैं वैसे ही बनकर आ जाएं, चतुर्भुज रूपधारी नारायण ऐसे ही प्रकट हो जाएं। इतने सारे अवतार क्यों क्यों लेते हैं भगवान? और यदि कृपा करनी ही है, अगर भगवान को लगता है कि मेरे भक्त कष्ट में हैं, तो मुझे उनके पास जाना चाहिए, अधर्म बढ़ रहा है, मुझे धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होना चाहिए, तो अपने किसी दूत को भेज दे, खुद ही क्यों आते हैं? अरे किसी से भी कह देंगे तो कोई भी आ जाएगा, रक्षा कर लेगा, पर स्वयं क्यों आते हैं? फिर भेष बदलना पड़ता है, फिर तमाम समय व्यतीत करते हैं, राम बनकर आए, कृष्ण लीलाएं सुनते हैं। तो एक उदाहरण देते हैं। एक बार एक राजा अपने मंत्री से कहता है, मंत्री सत्संगी है, सत्संग सुनता है, तो राजा ने यही प्रश्न अपने मंत्री से किया कि भगवान को अवतार लेने के लिए स्वयं क्यों आना पड़ता है, किसी को भेज के वो काम क्यों नहीं करा सकते हैं? अरे परमात्मा है, सामर्थ्यवान है, भाई कोई साधारण कोई मानव कुछ करना हो तो भाई खुद ही करना पड़ेगा, पर भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, खुद ही क्यों आते हैं, किसी को भेज कर क्यों नहीं करते? मंत्री राजा के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। मंत्री ने कहा क्षमा करना महाराज। राजा ने कहा आप सत्संग ज्यादा सुनते हैं तो इसलिए आपसे प्रश्न कर लिया, कहीं सुना होगा कथा में आपने कुछ। मंत्री ने कहा मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, थोड़ा और ज्ञान लूंगा, ग्रहण करूंगा, तब बताऊंगा। दो चार दिन बाद राजा अपने मंत्री के साथ में नौका विहार कर रहे हैं, माने नदी में भ्रमण कर रहे हैं नाव में बैठ करके। तो जैसे ही नदी में राजा भ्रमण करने लगे, तो दूर नदी में किसी बालक को डूबते देखा। राजा ने मंत्री से कहा देखो देखो मंत्री, वहां बीच नदी में कोई बालक डूब रहा है, देखो ना कौन है। मंत्री ने ध्यान से देखा तो मंत्री ने कहा महाराज ये तो आपका ही पुत्र है, ये कोई और नहीं आपका ही बेटा है, शायद आज अपने मित्रों के संग खेलते खेलते आ गया होगा, स्नान कर रहा होगा, ये डूब रहा है। राजा ने जैसे ही सुना कि ये मेरा पुत्र है, राजा ने आव देखा ना ताव देखा और नदी में राजा कूद पड़ा और जैसे ही तैरते हुए उस बालक को बचाने के लिए उसके पास तक पहुंचा, तो कहते हैं वहां कोई नहीं था, कोई लकड़ी का टुकड़ा बह रहा था, राजा को लगा कोई बालक है। दूर से देखने में कभी कभी भ्रम हो जाता है। मंत्री नौका लेकर के पास तक पहुंचा, मंत्री ने कहा बचा लिया महाराज। राजा ने कहा मंत्री तुमको भी भ्रम हो गया, तुमने कहा मेरा बेटा, मैं तो टेंशन में चिंता में आ गया, ना आप देखा ना ताव, कूद पड़ा उसे बचाने के लिए कि मेरा बेटा मर जाएगा, पर वो तो लकड़ी का टुकड़ा था। मंत्री ने कहा क्षमा करना महाराज, मुझे ऐसा ही लगा। बिठा लिया नौका में। मंत्री ने राजा से कहा महाराज आपके प्रश्न का आज उत्तर देना चाहता हूं,
आपने पूछा था ना कि भगवान अवतार लेते हैं भक्तों पर कृपा करने के लिए या राक्षसों को मारने के लिए, तो खुद ही क्यों आते हैं? किसी को भी क्यों नहीं भेज देते? अपने दूतों को भेज दें, किसी भी देवता से कह दे, पर स्वयं ही क्यों आते हैं? तो आज मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूं। जिस प्रकार अपने बेटे को डूबता देख आपने नाव देखा ना ताव देखा और आप कूद पड़े नदी में, अपने प्राणों के बारे में भी नहीं सोचा, आपने मुझसे नहीं कहा जबकि मैं मौजूद था, आपने मुझसे नहीं कहा कि मंत्री जाओ मेरे बालक की रक्षा करो, आप स्वयं कूद पड़े। क्यों? क्योंकि आपको पता था वो मेरा पुत्र है। अगर मैं कहता गांव का कोई और व्यक्ति है तो आप खुद नहीं जाते मुझे भेज, लेकिन आपको पता था कि वो मेरा है इसलिए आप स्वयं कूद पड़े। उसी प्रकार हमारे ठाकुर भी अपने भक्तों को अपनी संतान मानते हैं, अपना पुत्र मानते हैं, इसलिए वो किसी दूसरे को नहीं भेजते, वो स्वयं ही आ जाते हैं रक्षा करने। बोलो भक्तवत्सल भगवान जय हो। वो स्वयं ही आ जाते हैं, किसी कह तो किसी से भी सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं मेरे हैं इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, तभी तो भगवान का अवतार होता है। भगवान अवतार हमारे लिए लेते हैं, हमारे बुलाने पर ठाकुर आते हैं, हमारे बुलाने पर गोविंद आते हैं, हम बुलाते हैं वो दौड़े चले आते हैं। ब्रजवासियों का प्रेम, ब्रजवासियों का स्नेह, ब्रजवासियों का भाव, ब्रजवासियों की श्रद्धा, तभी तो भगवान का कृष्ण अवतार हुआ। और पग पग पर ब्रजवासियों की रक्षा की भगवान, और सिर्फ राक्षसों से ही नहीं देवताओं के मान से भी ब्रजवासियों की रक्षा की। राजपूजन करवाया भगवान, कलाप लगा रहे थे, 56 भोग, खूब सारा भोग लगा ठाकुर जी को। भैया कहने को तो 56 भोग कहा जाता है, पर हमारे यहाँ ब्रज में इस उत्सव को 56 भोग का उत्सव नहीं कहा जाता, हमारे यहाँ ब्रज में इस उत्सव को एक नाम दिया गया है, क्या? अन्नकूट महोत्सव। दीपावली के दूसरे दिन, मैंने कल बताया था आपको, जैसे गिरिराज जी बनाए थे कल, ऐसे ही हर घर में मंदिर में गिरिराज जी बनाए जाते हैं गाय के गोबर से और पूजन होता है, और उस दिन कहा जाता है गिरिराज पूजन नहीं अन्नकूट महोत्सव है। अन्नकूट महोत्सव क्यों कहा जाता है? संस्कृत में कूट कहते हैं पहाड़ को, मतलब पर्वत को, और अन्न माने अनाज, कूट हुआ पर्वत। तो जब गिरिराज जी का पूजन करने के लिए ब्रजवासी गए तो हम लोगों ने तो कल एक एक दोने में ही भोग लगाया था, प्रसाद लगाया था, पर आप जानते हैं जब ब्रजवासी पूजन करने गए हैं तो इतना भोग लगाया है, इतना भोग लगाया है, इतना ढेर लग गया है, इतने पकवान, इतने व्यंजन हैं कि गिरिराज जैसा दूसरा अन्न का पहाड़ वहां पर एकत्रित हो गया है, अन्न का पर्वत वहां पर, गिरिराज जी जैसा दूसरा पर्वत वहां पर एकत्रित हो गया है, इसलिए उस उत्सव को कहा जाता है अन्नकूट महोत्सव। अन्न का पर्वत ही ब्रजवासियों ने खड़ा कर दिया है, और गिरिराज जी से प्रार्थना की, महाराज भोग लगा। भोग कैसे लगाते हैं ठाकुर जी? ऐसे थोड़ी जैसे हम मंदिर में रख देते हैं, दो मिनट पर्दा लगाया और फिर हटा लेते हैं थाली को, है ना? पर गिरिराज जी कैसे पा रहे हैं? पर्वताकार हैं गिरिराज, लेकिन जब ब्रजवासियों ने भोग लगाया, महाराज पाओ, तो कहते हैं गिरिराज जी चौकड़ी मार करके बैठ गए हैं और उठा उठा करके पाते जा रहे हैं, एक एक पूड़ी, एक एक पकौड़ी, एक एक रसगुल्ला, एक एक लड्डू नहीं पा रहे हैं, डलिया की डलिया, छबड़े के छबड़े उठा उठा करके भर भर पा रहे हैं। इतने में ही कन्हैया की नजर पड़ी, कन्हैया ने ग्वाल बालों से कही, अरे सुनियो कैसे भोग लगा रहे हो? भोग तो लगा दियो, सामने धर दियो, ऐसे भोग नहीं लगाएंगे। अरे वो तो पाई रहे, पर तुम भी तो अपने हाथ अंते पवाओ। वाल बाल बोले कैसे पवाए? कन्हैया बोले नंद बाबा से, बाबा मेरे पास आओ मैं बताऊं कैसे पवाओ। ये सब दलिया पकड़ पकड़ कर उठाओ और गिरिराज जी के मुख में डाल दो।
तो बड़े बड़ी दलिया छपड़े। गिरिराज कौन है? ये कोई और देवता नहीं है, वही कृष्ण एक रूप से पूजन करवा रहे हैं और दूसरे रूप से गिरिराज बन करके पूज रहे हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। खूब सारा भोग लगाया गिरिराज जी ने, खूब पाया। ब्रजवासी भोग लगा करके अपने अपने ग्रह को वापस गए। इंद्र को रोष हुआ, सांबर्तक नाम के मेघों को बुलाया। ब्रजवासियों ने अबकी बार मेरा बड़ा अनादर किया, हर साल पूजते थे भूल गए मुझे। इतना जल बरसाओ, इतना जल बरसाओ, पूरा ब्रज चौरासी कोस मंडल डूब जाए, पूरा ब्रज मंडल डूब जाए। वर्षा प्रारंभ हो गई। अब थोड़ी देर हो तो कोई बात नहीं, पर लगातार जब बारिश होती है, नंद बाबा दौड़े दौड़े कन्हैया के पास जाते हैं। लाला लाला, कछु मन में बेचैनी है रही है, कछु अटपटो सो लग रहे है, ऐसो लगे जे बारिश से कछु हानि होगी। कन्हैया बोले तो कहा करूं, नंद बाबा बोले लाला कछु तो करना ही पड़ेगा। सब ब्रजवासी त्राही माम करते हुए कृष्ण के पास में आए। कन्हैया कहा करें, अब जैसे वर्षा तो आपके यहाँ भी हमेशा ही होती है, हर साल होती है ना। हम भी करीब 18-19 साल से हिमाचल आ रहे हैं। मार्च के महीने में आते हैं, नवंबर दिसंबर में आते हैं, और ये जुलाई अगस्त में भी आते हैं बारिश के मौसम। इतने सालों से देख रहे हैं, लेकिन पिछले साल जो बारिश हुई है ना, तो डरावनी वाली हुई, भयावह। और ऐसी भयावह बारिश कि अभी जब परसों हो रही थी ना, तो मन में थोड़ी सी व्याकुलता भी थी, है ना, ठीक ही नहीं। वो जहाँ रुके हुए ना हम लोग, वो परिवार के सब सदस्य रात्रि को रोज आते हैं मिलने के लिए कमरे में, वो कह रही थी कि व्यास जी अब बारिश होती है तो बड़ा डर लगता है। पिछले साल जो रूप देखा था, मन में भय उत्पन्न हो गया है बारिश से। पहले खूब होती थी, पर पिछले साल जो हुआ उससे थोड़ा भय बन गया है। अरे आपकी छोड़ो, लोग YouTube के माध्यम से जो चैनल पर देख रहे हैं कथा, तो अजमेर से कल 2-3 फोन आए हमको, बोले व्यास जी हमने देखी आपकी कथा, हिमाचल में चल रही है। मैंने कहा हाँ, बोले तो बारिश हो रही है वहां पर, आप ठीक तो है, कोई परेशानी तो नहीं? मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बोले हाँ, हमने तो देखा और न्यूज में दिखाई रहे हैं, ऊपर मंडी या कुल्लू वगैरह में कुछ हुआ होगा हादसा, तो देखा होगा न्यूज में। मैंने कहा नहीं, जहाँ पर हमें, बोले हमें तो बड़ी चिंता हो रही थी, आप हिमाचल, बोले काय को चले गए हिमाचल, कहीं और कथा कर लेते ऐसे बारिश के मौसम में, क्यों जाना वहाँ? अरे भैया यहाँ भी तो लोग रहते हैं। अभी पिछले साल अवा देवी के पास में हम लोग चोलथरा गांव में थे, नवरात्रि में मुंडखर वाली माता, अगर नाम सुना हो तो, मंदिर में कथा थी। तो रात्रि के समय भूकंप आया, बड़ी तेज तूफान, और वो ऊंचाई पर मंदिर है, मंदिर के ऊपर कमरे बने हुए हैं जहां हम लोग रुकते हैं, तो बड़ी हवा चलती है ठंडी ठंडी। अब तूफान जब पड़ा वहां ऊंचाई पर तो है, तो और ज्यादा हवा लगी। अब रात्रि में जब सो गए तो हम में से आधे लोगों की, मेरी तो आंख लग गई थी, और पंडित जी वगैरह वेदी वगैरह सब बना रहे थे मंदिर में, और इतने में आया भूकंप। अब भूकंप आया तो पूरा मंदिर ऐसा लगे कोई पकड़कर हिला रहा है, ऊंचाई पर, हाइट पर, ऐसा लगे बिल्कुल जेसीबी से उठाकर कोई रख रहा है, इधर उधर कर रहा है। तो ये सब लोग बाहर निकल कर खड़े हो गए, बोले व्यास जी कमरे से बाहर निकल जाओ। अरे निकल कर क्या करेंगे, मरेंगे तो जीते जी भी मर जाएंगे, सोते सोते भी मर जाएंगे, और निकल कर ही क्या होगा। मैंने कहा सोते रहो। बोले आपको पता नहीं लगा भूकंप आया? खूब पता था, हिल रहे हैं। अरे मरना होगा तो मर ही जाएंगे, बाहर खड़े होकर ही क्या होगा। तो माता जी कल मेरे से कह रही थी, बोले व्यास जी अपना ध्यान रखना, वहां पर बड़ी दिक्कत हो जाती है हिमाचल में। मैंने कहा कोई चिंता नहीं, यहाँ सब रह रहे हैं। अरे ये भी तो रह ही रहे हैं, ये भी इंसान है, हमें क्या दिक्कत होगी, सबके साथ जो ठाकुर जी को करना होगा, देखो होनी होनी है तो वो होकर रहे।
और नहीं होनी तो वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। होनी होके रहे, अनहोनी ना होए, जो होगा घर बैठे हो जाएगा और जो नहीं होगा पहाड़ों में रहो चाहे नदी में रहो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन फिर भी मन में भय बन गया है, बारिश से ज्यादा कंटिन्यू हो। नंद बाबा सब ब्रजवासी कह रहे लाला थोड़ो डर लगे, कन्हैया बोले तो कहा करूं, बोले कछु तो कर, बारिश कछु ज्यादा ही है रही है। तो कन्हैया बोले जा गिरिराज की तुमने पूजा करी है, चलो वही गिरिराज के पास में चले, वो गिरिराज गिरिराज महाराज के चरणों में, और वहां जाकर के सब ब्रजवासी बैठ गए। लाला अब क्या करें, कन्हैया बोले करनो कहा है, हाथ जोड़ कर गिरिराज महाराज से प्रार्थना करो। सब ब्रजवासी हाथ जोड़ करके गिरिराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण महाभाग। देखो बड़ा सुंदर मंत्र है, ब्रजवासियों ने अपनी सुरक्षा के लिए रक्षा के लिए गिरिराज से प्रार्थना की है, और ये इतना दिव्य मंत्र है कि कभी भी आपको लगे कि प्राणों पर संकट है या कोई कष्ट का समय है, कोई संकट काल है, कोई परिस्थिति प्रतिकूल हो रही है, तो इस मंत्र का जाप करो, प्रभु रक्षा अवश्य करेंगे। हाथ जोड़कर प्रेम से एक बार सभी अपने अपने मन में ध्यान करेंगे ठाकुर जी का, और क्या कह रहे हैं ब्रजवासी कि कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुर्मर्हसि देवान् कुपिताद भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल भगवान हमारी रक्षा करो, त्राहिमाम 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 या वर्षा से हम सब ब्रजवासियों की रक्षा करो। और जैसे ही ब्रजवासियों ने प्रार्थना की तो कन्हैया दौड़े दौड़े नंद बाबा से बोले बाबा अभी अभी गिरिराज ने मेरे कान में आके कही है ज्यादा पानी बरस रहे हो तो तुम सब मोकू छतरी बना के उठा ले। नंद बाबा बोले इतनो बड़ो पर्वत कैसे उठेगो लाला, हमारे बस की बात ना है। कन्हैया बोले बाबा कोशिश तो करनी पड़ेगी, बिना किए कुछ मिल जाए संभव नहीं है, ये कर्म प्रधान भूमि है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। ये कर्म प्रधान भूमि है, थोड़ा सा प्रयास करके देखो, परिश्रम करके देखो, बिना किए मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। नंद बाबा बोले लाला पर्वत बड़ो है उठेगो ही नहीं। कन्हैया बोले कोशिश तो कर सकते हो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करके देखो, प्रयास करके देखो, क्या पता उठ जाए। सब ब्रजवासी कृष्ण की बात मानते हुए जैसे ही ब्रजवासियों ने तनिक तनिक सहारा लगाया, तनिक तनिक जोर लगाया, तो कन्हैया ने अपनी कनिष्ठ का उंगली पर पर्वत को धारण कर लियो। बोलो गिरिराज महाराज, गिरिराज तेरी शरण लाला।
रात्रि तक मूसलाधार वर्षा हो रही है। सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठी लगाई है, कनिष्ठ का उंगली पर प्रभु ने धारण करके रखा है। एक ब्रजवासी ने कन्हैया से कही, चौरे कन्हैया एक बात बता, जब गिरिराज को तू नहीं उठानो हो तो फिर हम समंती काई को कही, हमने वैसे ही अपनी अपनी लाठी लगाए रखी है और पर्वत को तूने उठा के रखो है, तो जब तू नहीं उठानो तो तू उठाई ले, तो हम समंते काई को कही, हमने काई को अपनो अपनो लाठी लगाई, काई ने हाथ को सहारो, काई ने कंधा को सहारो, काई ने सिर को सहारो, हम ते क्यों कहे। कन्हैया बोले, एक बात बताओ, उठाना तो मुझे था ही, मैं ही उठाता और मैं उठा रहा हूँ, लेकिन जब तक तुम अपनी अपनी हिम्मत का डंडा नहीं लगाओगे तो मैं भी पर्वत को धारण नहीं कर सकता। भैया, अपनी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, अपना परिश्रम तो दिखाना पड़ेगा। कृष्ण कहना चाहते हैं, करता तो मैं ही हूँ, कर रहा हूँ और करूँगा, पर तुमको प्रयास तो करना पड़ेगा। तुम सोचो कि कन्हैया ही करने वाले, वो ही करेंगे, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पर भगवान कहते, मैं भी साथ उसका देता हूँ जो प्रयास करता है, जो कर्म करता है, मैं भी उसी का साथ देता हूँ। क्यों कर्म न जायते जंतु, कर्म नैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म नहीं वा विपद्यते। भगवान कहते, कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म दान भूमि है, आप करोगे तब पाओगे। अयोध्या नगरी में जब राम जी का प्राकट्य हुआ तो क्या गाया, भय प्रगट कृपाला। भगवान का नाम कृपाला क्यों पड़ा जानते हो? कृपाला माने बिहारी जी को कौन ला सकता है, ठाकुर जी को कौन ला सकता है? बिहारी जी को लाया तभी, वो आते तभी हैं जब हम परिश्रम करते हैं। हम परिश्रम करते हैं, उनकी कृपा होती है, तभी वो लाए जाते हैं। इसलिए उनका नाम है कृपाला, वो लाए तभी जाएंगे जब हमारा प्रयास होगा और उनकी कृपा होगी। इसलिए भय प्रगट कृपाला, इसलिए उनका नाम कृपाला। भगवान ब्रजवासियों से कह रहे हैं, तुम सब हिम्मत नहीं लगाते, जोर नहीं लगाते, परिश्रम नहीं करते, प्रयास नहीं करते, तो मैं गिरिराज को कैसे धारण करता? तो मैं भी तभी धारण कर रहा हूँ जब तुम सबके हिम्मत का डंडा लगा है। इसलिए संकट काल दुख की परिस्थिति से यदि निकलना चाहते हो तो मैं करूँगा तो सही, पर तुम अपनी अपनी हिम्मत का डंडा जरूर लगाओ, मैं अपनी कृपा बरसाऊंगा। सब ब्रजवासी प्रसन्न मन से अपने अपने डंडों को लगाकर खड़े हैं। गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, गोपाल समरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, गोपाल समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल समरिया मेरे। भगवान भी तभी साथ देते हैं जब हम अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। ब्रजवासी कहते हैं, कृष्ण तेरे बिना हमारा कोई नहीं है, अब तू ही इंद्र के कोप से रक्षा करेगा। इसलिए भगवान गिरिराज बन करके उन सब ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। इसे दुख की घड़ी, संकट की घड़ी जब आए भी, उसके चरणों में समर्पित हो जाओ, उसके चरणों का आश्रय लो, सांवरिया वो गोपाल रक्षा जरूर करेगा। मेरा कोई ना सहारा, Oh,
लाठी का सहारा। एक ग्वाल बोलो कन्हैया से कान्हा, चार दिन है गए, हम लोगन ने अपनी अपनी लाठी लगाई है, तूने उंगली पे धारण करके रखे है, तेरी अंगुरिया में दर्द है रहे हो, अपनी अंगुरी हटा ले, हम लाठी से पर्वत को संभाल लेंगे। कन्हैया ने कई अंगुरी हटा ली तो ये पर्वत नीचे आ जाएगा, तुम सबकी लाठी टूट जाएंगी। वाल बाल बोले ओ हो, तू का सोचे कि तू नहीं धारण करके रखियो है, अरे हम सबकी लाठी लगी है तभी पर्वत उठो। कन्हैया बोले तो हटाए लो, बोले हाँ संभाल लियो, पर्वत नीचे गिर गयो तो हम सब दब जाएंगे। वाल बाल बोले हटा तो सही। कन्हैया ने कही अच्छे से तान लियो लाठी, बोले हाँ हाँ। जैसे ही प्रभु ने अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे किया, पर्वत भी नीचे आया और ग्वाल बालों की लाठियां पट पट करके टूट गई। अरे लाला संभाल संभाल संभाल, कन्हैया ने फिर उंगली लगाई। ग्वाल बाल बोले लाला जी बात तो समझ में ही नहीं आई। एक गोपी बोली कैसे समझ में ना आई, तुम सबकी लाठी टूट गई और कन्हैया ने अंगुली पे पर्वत को धारण कर लियो, मैं बताऊं कैसे धारण करो। अरे वो माखन जो हम हंडिया में कन्हैया को रखती और कन्हैया चोरी करके वह माखन को खाए जाते, वह अधोटा दूध को जो पियो है, वह अध चले माखन को जो खायो है, वह माखन की ताकत है, याने पर्वत को धारण कर लियो। और तुम सब रहे डेढ़ डेढ़ हड्डी वाले, तुमने जीवन में माखन खायो ही नहीं कभी, तो तुम कैसे लाठी पे पर्वत को संभाल ले। वाल बाल बोले हाँ जे बात तो सही कही, भाई वो अधोटा दूध तो कन्हैया नहीं पियो, वो माखन तो कन्हैया ही नहीं खायो। सात दिन सात रात्रि तक मूसलाधार वर्षा होती रही। कृष्ण बताना चाहते हैं गिरिराज को उठाना इसमें मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरा कोई बल नहीं है, ये सामर्थ्य तुम सब की है, ये बल तुम सब का है। कि कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु ज्वालन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। कुछ वो माखन का बल जैसा कि तुमने कहा मैंने चुरा कर खाया, कुछ तुम सबकी सहायता और कुछ राधा रानी की कृपा, वा कृपा सो मैंने गिरिराज को धारण कियो है, इसमें मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, मेरा कोई बल नहीं।
राम जी माता जानकी को लेने के लिए जब जा रहे हैं रावण से युद्ध करने के लिए, तो प्रश्न आया कि पुल बनाना पड़ेगा, कैसे बनाया जाए पुल। राम जी ने भगवान शंकर की आराधना की, रामेश्वर भगवान स्थापित हुए। अब देखो राम जी क्या नहीं कर सकते, सर्व समर्थ ईश्वर हैं, पुल नहीं बना सकते, राम सेतु नहीं बना सकते, पुल बांध नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, फिर भी वो चुपचाप बैठे हैं कि पुल बनाना है और कैसे बने। पूरी सेना बैठी है, बानर सेना, पुल बनाया जाएगा, कैसे बनेगा पुल। सेना ने पुल बनाना चालू किया, लेकिन जब पुल तैयार हो गया, फिर भी जब बानर उस पर चलकर देखते हैं तो पुल ऐसा बना है कि सेना जब निकलेगी तो पुल टूट जाएगा, उतना मजबूत नहीं है। तो जामवंत जी महाराज, पूरी सेना राम जी के चरणों में जाकर बैठी और सब बोले कि प्रभु पुल तो बना लिया लेकिन मजबूती नहीं है, दो चार लोग निकले तो निकल जाएंगे पर पूरी सेना निकलेगी तो पुल टूट जाएगा, ठीक नहीं बना है, क्या करना चाहिए। मेहनत तो खूब की है, प्रयास तो खूब किया है, पूरी सेना तत्पर रही है, पर फिर भी हमको भय लगता है, फिर भी डर लगता है कि पुल टूट सकता है। राम जी बोले क्यों चिंता करते हो, तुमने परिश्रम कर लिया, तुमने प्रयास कर लिया सेतु पर, इस पुल पर यदि कोई सबसे पहले चलेगा तो वो मैं हूँ, मैं चलकर चेक करूंगा कि पुल ठीक बना है या नहीं बना है, तुम लोग पीछे पीछे चलना, आगे आगे राम जी, पीछे पीछे पूरी सेना। और जैसे ही राम जी ने उस पुल पर कदम रखा और दो कदम आगे को चले हैं, तो कहते समुद्र में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, वो सब उस तल पर आकर के, समुद्र तल पर आकर के इकट्ठे हो गए और पुल के नीचे उन्होंने सपोर्ट दे दिया, पुल को सहारा दे दिया और सबने अपनी अपनी कमर, अपनी अपनी पीठ पुल के नीचे लगाई। जामवंत जी महाराज, पूरी सेना ने ये दृश्य देखा, जामवंत जी महाराज राम जी के पास में गए, प्रभु ये क्या है। राम जी प्रसन्न मुद्रा में, जामवंत जी बोले जब इन सबको सहयोग करना ही था महाराज, जब आपके कहने पर इनको ये सब करना ही था, तो फिर हम लोगों से ये सब मेहनत क्यों करवाई, हम लोगों से इतना प्रयास क्यों, हम लोगों से परिश्रम क्यों, ये सब तो सहारा देने वाले थे ही, आपके इशारा करने पर ये सब चले आए। राम जी बोले अगर ये सब मैं पहले ही कर देता तो तुम लोग मेहनत कैसे करते, करना तो मुझे ही था, लेकिन मैं भी कृपा तब करता हूँ जब व्यक्ति प्रयास करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, मैं उसी पर कृपा करता हूँ। तेरा प्रयास नहीं होगा तो मेरी कृपा भी नहीं होगी। मैंने पहले दिन कहा था कृपा का मतलब क्या है, कर और पा, है ना, कृपा का मतलब क्या है, कर और पा, तू करेगा तभी पाएगा, करेगा नहीं तो पाएगा भी नहीं। हम लोग कहते हैं ना कि हम रोज कथा में जाते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, फिर भी संकट की घड़ियां, फिर भी दुख हमसे दूर ही नहीं जाता, और मेरी पड़ोसी कभी मंदिर नहीं जाती, उसका पति कभी अच्छे काम नहीं करता, फिर भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, फिर भी सब कुछ मिल रहा है, हमारे यहाँ बरकत नहीं होती है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, हम लोगों का विश्वास भगवान से हटने लगता है, टूटने लगता है, इतना कुछ करने पर भी हमको कुछ नहीं मिल रहा, उसको मिल रहा है। ध्यान देना, ये कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है, अगर उसको मिल रहा है इस जन्म में, भले ही वो अच्छा नहीं कर रहा है लेकिन कुछ पिछले जन्मों में करके आया है तभी भूख रहा है, और आपको करने पर भी नहीं मिल रहा है तो आपका कोई बुरा कर्म है जो आड़े आ रहा है,
लेकिन आप अच्छा करते रहिए तो कल का सद्भाग्य बना सकते हैं। यदि आज भी बुरा करेंगे तो कल भी अपना बिगाड़ रहे हो। और वो पा रहा है अच्छा, लेकिन यदि कर नहीं रहा है तो उसका कल बिगड़ रहा है। आज तो आप उसको अच्छा देख रहे हो, पर कल आप देखना कि उसके साथ गलत जरूर होगा, निश्चित है। यहाँ हम जो भी भोग रहे हैं, ध्यान देना, मंदिर जाना, देखो कर्म और कर्तव्य, इन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। हम कर्म को और कर्तव्य को एक ही मान लेते हैं। कर्म और कर्तव्य दोनों में अंतर है। हम यहाँ पर कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, या सात दिन जो यहाँ पर यजमान बन रहे हैं, अपना कुछ धन यहाँ प्रभु नाम पर समर्पित कर रहे हैं, ये कर्तव्य है हमारा, हमें करना चाहिए। मंदिर जाते हैं हम, रोज सुबह उठ करके हमें मंदिर जाना है, ये कर्तव्य है हमारा, हमें जाना चाहिए, जरूरी है। लेकिन हम अपने घर में कोई भी काम कर रहे हैं, परिवार के लिए, समाज के लिए, वो कर्म है। अपने बच्चों के लिए, बच्चों की खुशी के लिए, अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए, वो कर्म है हमारा। अगर हम दूसरों का अहित चाहते हैं, अगर हम दूसरों का बुरा चाहते हैं, तो ध्यान देना कल का दुर्भाग्य जरूर बनेगा, क्योंकि ये कर्म पीछा नहीं छोड़ता है, ये जरूर आगे आएगा। कितना भी कोई भी जन्म लेकर के आप आओ, 100 जन्म क्या 100 से ऊपर भी चले जाएं, तो भी कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा। आप कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं बता सकते कि व्यक्ति गया और उसकी छाया पीछे नहीं गई। मानव चलेगा तो छाया भी चलेगी चलेगी, ऐसे ये कर्म भी छाया बन करके चलता है। मंदिर जाना हमारा कर्म नहीं है, कथा सुनना हमारा कर्म नहीं है, ये कर्तव्य है हमारा। हमको सुनना चाहिए, हमको करना चाहिए। हाँ, सामाजिक, हम पारिवारिक कोई भी काम करते हैं, वो कर्म है हमारा। हम गृहस्थी में हैं, बच्चों की देखरेख कर रहे हैं, माता पिता की देखरेख कर रहे हैं, धन अर्जन कर रहे हैं, वो कर्म है हमारा। लेकिन ठाकुर जी से संबंधित हम कोई भी कार्य करते हैं, वो कर्तव्य है हमारा। ये कर्म समझ कर नहीं करो, ये कर्तव्य समझ कर करो कि हर व्यक्ति को ये करना जरूर चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान को अच्छा लगता है। तो प्रभु कहते हैं कि तू कर तब पाएगा, मेरी कृपा भी उस पर होगी। सेतु बंधा, सबने मेहनत की, प्रयास किया, पर जैसे ही भगवान ने कदम रखा, उस सेतु को सपोर्ट मिल गया, उस पुल को सहारा मिल गया, पूरी बानर सेना पार। आज ब्रजवासियों को भी बताना चाहते हैं भगवान, भगवान इसलिए गिरिराज धरण की लीला, ये गिरिराज धरण की लीला का मतलब क्या है, भगवान इसलिए इस लीला को रच रहे हैं कि यदि ये सब ब्रजवासियों को मैं नहीं कराऊंगा ना, तो ब्रजवासी आलसी टाइप के हो जाएंगे, कर्म में विश्वास नहीं रखेंगे, इसलिए भगवान ने गिरिराज धरण की लीला रची। सबने सहारा दिया, गिरिराज पर्वत को धारण किया, 7 दिन 7 रात्रि तक मूसलाधार वर्षा होती रही। जब मेघ गणों के पास में जल खत्म हो गया, जाकर के इंद्र को कहा, महाराज पानी खत्म हो गया, इंद्र ने कहा देखो अब तो बाढ़ आ गई होगी, ब्रज में डूब गए होंगे सब, पानी पानी जल में विलीन हो गया होगा सब कुछ, बारिश बंद हुई। नंद बाबा बोले, कन्हैया अब मौसम साफ है, धूप खिल रही है, अब तो गिरिराज पर्वत को जैसे उठाया वहां पर ज्यों का त्यों रख देना चाहिए, अब परिस्थिति अनुकूल लग रही है। कन्हैया ने जैसे उठाया था वहीं पर ज्यों का त्यों स्थापित कर दिया। आज भी गिरिराज महाराज हमारे ब्रज में स्थापित है। बोलो गिरिराज महाराज।
हमारे ब्रज में तीन चीजें ही तो हैं उस समय की, और बहुत सी चीजों में तो परिवर्तन हुआ है, फिर बदल हो गई है, लेकिन ये तीन चीजें हैं उसी समय की, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई फेर बदल नहीं है। जैसे जब थे आज भी वैसे ही हैं। एक हमारे यहाँ की ब्रज रज, ये वही रज है जो उस समय थी, इसमें मिलावट नहीं है। एक यमुना, वही यमुना है जैसी पहले थी, और एक गिरिराज महाराज, वो बनाए नहीं है किसी ने, किसी ने उसमें फेर बदल नहीं की है। जैसे प्रभु ने धारण किए थे आज भी वैसे ही दिखाई पड़ते हैं। तीन चीजें उस समय की ब्रज में आज भी स्थापित हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। धूल उड़ रही है, उत्सव मनाया जा रहा है, बधाइयां गाई जा रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। गणों ने आकर के ये दृश्य देखा, इंद्र को सूचित किया, महाराज इतना पानी बरसाया, वहां तो जल की एक बूंद भी नहीं गिरी, सारा पानी कहाँ चला गया। इंद्र ने कहा, क्या कहते हो? बोले, हाँ महाराज, वो लोग तो नाच गाना कर रहे हैं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं। तब इंद्र को ध्यान आया, ओहो, उस ब्रज में तो भगवान ने अवतार लिया है, फिर उन ब्रजवासियों को मैं कैसे मार सकता हूँ। भूल गया था मैं, अभिमान हो गया था अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, मैं कैसे भूल गया जिस ब्रज में कृष्ण अवतार हुआ है, उस ब्रज को मैं नष्ट कैसे कर सकता हूँ। तब देवराज इंद्र मन में ग्लानि करते हुए ब्रज में पधारे, और भगवान से आकर के भगवान की स्तुति की, कामधेनु गाय के दूध से कृष्ण का अभिषेक किया, गोविंद नाम भगवान को प्रदान किया। उसी दिन से प्रभु का एक नाम पड़ गया, गोविंद। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय हो। इंद्र ने क्षमा याचना मांगी, प्रभु अहंकार हो गया था, अभिमान हो गया था मुझे, और कैसे ना होता, आपकी माया ही ऐसी है, इस माया के चक्कर में हर व्यक्ति फंसी जाता है, माया से बचना, ये नचाती है माया, इस माया में पड़ा हुआ व्यक्ति भूल जाता है आपको, मैं भी भूल गया था, क्षमा कर देना माया। संसार में रहने के बाद माया में ना फंसे बड़ा दुर्लभ है, ये माया नचाती है, और इस माया में ही तो नाच रहे हैं। एक बार भगवान से एक व्यक्ति ने कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान बोले, मांगो। तो वो व्यक्ति बोला कि नहीं नहीं, अपनी इच्छा से नहीं, आपके पास जो बढ़िया हो वो आप मुझे बता दो, मैं वही मांग लूंगा जो अच्छा हो। भगवान बोले, देखो तुम अपनी इच्छा से मांगो तो अच्छी बात है, भाई हम दें पसंद ना आए, क्योंकि जो सकुशल व्यक्ति होते हैं ना, गुणी व्यक्ति, अगर किसी को कुछ देंगे तो वो अपनी इच्छा से नहीं देते, सामने वाले से पूछ कर देते हैं, देखो हम कुछ दें तुम्हारे काम में ना आए तो क्या फायदा देने का। अब जैसे हम लोग भी कथा के लिए जाते हैं, तो जो यजमान लोग होते हैं, समिति हो या यजमान परिवार हो, तो वो हमसे पूछ लेते हैं पहले ही फोन करके, बोले व्यास जी आप बताओ आपको क्या पसंद है, आप बताओ। अब भाई हम अपनी इच्छा से दें। अब जैसे हम यहाँ भी कथा के लिए आ रहे थे, तो बाबा ने पहले ही 10-15 दिन पहले फोन कर दिया था, बोले आप अपने वस्त्र अपने वर्ण वही वृंदावन से ले आना, हम यहाँ खरीदे पसंद नहीं आए, पता नहीं कैसा पहनते हैं कैसा नहीं पहनते, कपड़ा अच्छा, भाई पैसा तो खर्च होना ही है, हम भी खरीदेंगे आप भी खरीदोगे, पैसा तो लग नहीं है, लेकिन हमने लिया वो पसंद नहीं आया, इसलिए आप अपनी पसंद से ले आना। आज हमारे यजमान पधारे हैं, हमारे बड़े स्नेही परम प्रिय भक्त हैं, यही पास कसोल गांव है, वहां से पूरा परिवार सब पत्नी के यहाँ पर पधारे। करीब 5-6 वर्ष पहले उनके यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन हुआ था, और हमें तो पता भी नहीं था कि वो गांव पास में ही है। कल हम परसों जब कुठेड़ा गए थे तो रास्ते में बोर्ड देखा कसोल का,
तो जो बाऊ जी हमें गाड़ी में घुमाने का जिनका काम है, हमने उनसे पूछा कि भाई कसोल कहाँ पर है, बोले यहीं पास में है। तो हमें तो याद आ गया, अरे कसोल में तो हम 5-6 साल पहले आए थे। उनको फोन घुमाया, आप पधारो, आपके नजदीक का था। और ये बोले हमें तो पता ही नहीं चला, नहीं तो पास में ही आप आए हो, हम तो एक दिन भी नागा नहीं करते, रोज कथा में आते हैं, आज पधारे कथा में। तो आज से 5-6 वर्ष पूर्व जब इनके यहाँ कथा में आए थे हम लोग, और ये वृंदावन ही गए थे हमसे बात करने के लिए कथा की, वही संकल्प दे करके आए, वही नारियल दे करके आए वृंदावन में जाके पूरा परिवार। तो मुझे ध्यान है कि जब इनके यहाँ भी कथा थी तो इन्होंने भी हमसे फोन पर ही कह दिया था, बोले व्यास जी आपके वस्त्र आप अपने पसंद के ले आना, पता नहीं हम लाए पसंद आवे नहीं आए। तो जो सकुशल व्यक्ति, मेरा कहने का तात्पर्य है जो गुणी लोग होते हैं, अब जिनको पता नहीं लोग ले लेते हैं, अब किसी ने दिया सामने वाले को पसंद नहीं आया, अच्छा सबकी पसंद अलग अलग होती है, फिर क्या फायदा देने का, रुपया तो खर्च हुआ लेकिन वो काम ही नहीं आया, यूज में ही नहीं आया, क्या फायदा रहा। गुणी लोगों का काम। तो भगवान भी कह रहे हैं भक्त से कि भैया मैं दूं, तुझे पसंद आए नहीं आए तो क्या फायदा मेरे देने का, तू ही मांग ले अपनी इच्छा से, जो तू मांगेगा जो तेरे यूज में आए ऐसी चीज मांग। अब भगत भी बड़ा तेज था, वो बोला नहीं महाराज, पहले आप बताओ आपके पास में अच्छी चीज क्या है, वही मैं मांगूंगा, बताओ सबसे बढ़िया क्या है। भगवान बोले देख मेरे पास में दो चीज बहुत बढ़िया है, कौन कौन सी, एक है माया और दूसरी है भक्ति, ये दो चीज बहुत बढ़िया है, अब तू बता तुझे कौन सी चाहिए, जो मांगेगा सो ही दे दूंगा। वो बोला अच्छा, अब जब दो कह दिए तो सोचना तो पड़ेगा, एक ही चीज बढ़िया बताते तो वही मांग लेता, क्योंकि हम लोग चालाक कम थोड़ी हैं, हम भगवान के सामने भी चालाकी दिखाते हैं, भाई संसार का व्यक्ति है चतुरता तो दिखाएगा ही, अब दो चीज बता दी तो फिर सोचना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति ने सोचा कहीं घाटे का सौदा ना हो जाए, तो महाराज पहले ये बताओ कि माया क्या करती है और भक्ति क्या करती है। तो भगवान बोले ये दोनों ही मुझे नचाती हैं, ये दोनों का काम नचाने का है, ये दोनों ही नचाती हैं। वो बोला अच्छा कैसे नचाती हैं, बोले अब सब जानेगा, बोले महाराज जान परख करके लूंगा, ऐसे ही थोड़ी ले लूंगा, आपने कहा ये दोनों ही नचाती हैं, इन दोनों का काम नचाने का है, लेकिन कैसे नचाती हैं थोड़ा ये भी तो बताओ। तो भगवान कहते हैं कि देख माया भी नचाती है और भक्ति भी नचाती है। तो माया संसार के व्यक्ति को नचाती है, माया मेरे इशारे पर नाचती है और तुम संसारियों को नचाती है, और भक्ति यदि व्यक्ति के पास में आ जाए तो जहाँ भक्ति होती है वो भक्त के कहने पर मुझे नचाती है, माया तुमको नचाती है और भक्ति मुझे नचाती है, अब तू बता तुझे क्या चाहिए। काम दोनों का नचाने का है, जहाँ भक्ति है वहाँ ठाकुर नाचता है और जहाँ माया है वहाँ संसारी जीव नाचता है। आज इंद्र यही तो कह रहे हैं, बोले महाराज इस संसार की माया में कोई पड़े और नहीं नाचे ऐसा हो नहीं सकता, मैं भी माया में फंस गया था इसलिए तो भ्रम हो गया मुझे, और मैंने ब्रजवासियों पर कोप किया, रोष किया, भूल गया था। माया में पड़ा हुआ व्यक्ति भगवान को भूल ही जाता है, 84 के चक्कर में नाचता रहता है, नाचते ही तो रहते हैं हम लोग, और यदि 84 के चक्कर से बचना है तो माया को त्यागिए, भक्ति को अपनाइए, और भक्ति को आप तभी अपना सकते हैं जब आप भगवान से प्रेम करेंगे, आप भगवान से जुड़ेंगे, आप भगवान से संबंध स्थापित करेंगे, आप भगवान से रिश्ता स्थापित करेंगे।
संबंध होगा, रिश्ता होगा, तभी तो भगवान से प्रेम होगा। संबंध नहीं होगा, रिश्ता नहीं होगा तो प्रेम भी नहीं होगा। इसलिए सामने बैठे ईश्वर ईश्वर तो हैं, पर इनसे कोई रिश्ता जोड़िए, कोई नाता बनाइए। जैसे आप अपने यहाँ शिव धाम में आते हैं, भोले बाबा को स्नान कराते हैं, कितना सुंदर प्रांगण है, शिव द्वादश ज्योतिर्लिंग आपको दर्शन होता है, आप भगवान शंकर को रिझाते हैं, भगवान शंकर को लाड़ लड़ाते हैं। और देखो जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो सामने कौन दिखाई पड़ते हैं, कौन दिखाई पड़ते हैं बताओ, अरे बोलो, मंदिर से बाहर निकलते तो कौन दिखाई पड़ते हैं, साक्षी गोपाल बैठे हैं ना, हमारे कन्हैया बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। साक्षी गोपाल का मतलब जानते हो, साक्षी जो साक्षी देते हैं, माने आप दर्शन करने आए हैं नहीं आए, इस बात की जो साक्षी दे रहे हैं उन्हीं का नाम तो साक्षी गोपाल है। आप जानते हो भगवान का नाम साक्षी गोपाल क्यों पड़ा, जगन्नाथ पुरी में साक्षी गोपाल विराजते हैं। अगर कोई जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन करने गया हो, कौन कौन गया है हाथ खड़े करो, दो चार लोग गए हैं, अवसर मिले तो जरूर जाना। तीर्थ यात्रा हर व्यक्ति को, हर गृहस्थी को करनी चाहिए। चार धाम करो, तीर्थों का दर्शन करो, भ्रमण करो, हर व्यक्ति को अपने जीवन में तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए। जगन्नाथपुरी आप जाओ तो वहाँ साक्षी गोपाल का मंदिर है। जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करने के बाद में साक्षी गोपाल के दर्शन किए जाते हैं, तभी दर्शन का पूरा फल प्राप्त होता है। माने साक्षी गोपाल इस बात की साक्षी देते हैं कि फलाना व्यक्ति वहाँ से आया और उसने जगन्नाथपुरी में दर्शन किया है। पूरी तीर्थ यात्रा का तभी लाभ मिलता है। जगन्नाथ प्रभु तो जानते हो कैसे हैं, देखे हैं तो बढ़िया, नहीं तो जब घर जाओगे ना तो अपने अपने मोबाइल फोन पर देखना, गूगल से सर्च कर लेना, फेसबुक पर देखना, यूट्यूब, आजकल तो बहुत से माध्यम है देखने के। पहले के समय में तो व्यक्ति अगर चाहे उसको दर्शन करना है वृंदावन में बिहारी जी कैसे, जाना ही पड़ेगा। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ प्रभु कैसे, जाना ही पड़ेगा तभी पता लगेगा। आजकल तो मोबाइल अच्छा साधन है दर्शनों का, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। तो कहते हैं एक बार की बात, कुछ वैष्णव जन चार धाम यात्रा करने के लिए गए उड़ीसा से। जगन्नाथपुरी के पास में एक गांव से चार धाम तीर्थ यात्रा करके जब वापस जाने लगे तो श्री धाम वृंदावन भी पहुंचे। ब्रज चौरासी कोस की यात्रा कर रहे हैं, फिर घर वापस जाना है, तो उन वैष्णवों में एक वृद्ध व्यक्ति थे, पूरी यात्रा की अकेले घर से आए थे, बूढ़े थे, तो यात्रा में कोई बूढ़ा व्यक्ति हो और उसके परिवार से कोई और ना हो तो वो थोड़ा दूसरे पर निर्भर रहता है। अब बूढ़ा है, लंबी चौड़ी यात्रा होती है, चार धाम करो, सब तीर्थ यात्रा भ्रमण करो, तो उसी गुट में एक बालक था, जिस बालक ने उस वृद्ध व्यक्ति का बड़ा सहयोग किया पूरी यात्रा में। बाबा को स्नान कराना है, भोजन की व्यवस्था करनी है, जलपान कराना है, कहीं मंदिर लेके जाना है तो हाथ पकड़ करके दर्शन कराना, बद्रीनाथ गए तो पहाड़ों पर हाथ पकड़ करके चढ़ाया। पूरी यात्रा की 84 कोस की यात्रा में श्री धाम वृंदावन में विराज रहे हैं, तो बुजुर्ग व्यक्ति ने उस बालक को देखा, मन ही मन बड़ी प्रसन्नता कि देखो इसने पूरी यात्रा में मेरा कितना सहयोग किया, अगर ये ना होता तो मेरी यात्रा इतनी सुखद ना होती, मैं तो बुजुर्ग व्यक्ति सब दर्शनों का लाभ नहीं ले पाता। गोपाल जी के मंदिर में बैठे हुए थे,
तो वृद्ध व्यक्ति उस बालक से कहते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता, तूने आज पुत्र की भांति मेरी पूरी तीर्थ यात्रा में मेरा सहयोग किया, तो मैं तुझे एक वचन देता हूँ कि यहाँ से जब मैं घर जाऊंगा, गांव जाऊंगा, तो मेरी पोती के साथ में, नातनी के साथ में मैं तेरा विवाह रचाऊंगा। वो बालक बोला, ब्याह की वैसे तो कोई इच्छा है नहीं, पर आप कहते हो तो ठीक है, तैयार कर देना। पहुंच गए गांव, घर पहुंचे, घर जाकर के बुजुर्ग व्यक्ति ने घर वालों से कहा, वो फलाना जो बालक है ना, उसके साथ हमने अपनी नातनी का ब्याह तय कर दिया है, उसने हमारा बड़ा सहयोग किया, पूरी यात्रा में बड़ा सहारा दिया। घर वाले बोले, अरे वो पागल, वो लड़का हमारी लड़की के लायक नहीं है, हम अपने घर की कन्या उसके हाथ में नहीं दे सकते। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मैंने तो उसको वचन दिया है। अरे तो मना कर दो। बोले, ऐसे थोड़ी होता है, किसी को वचन दे करके फिर झूठ बोल दो। अरे तो तुम्हारी बात, तुम दोनों के सिवा कोई तीसरा वहां पर था क्या, जिसने तुम्हारे को वचन देते हुए सुना हो? बुजुर्ग व्यक्ति बोले, बोले कोई तीसरा तो था नहीं, हम दो ही जन थे। तो बोले, फिर क्या बड़ी बात है, मना कर दो, कह दो कि भैया मैंने नहीं कहा था। अब जब सब घर वालों ने प्रेशर दिया, तो बुजुर्ग व्यक्ति ने मन में सोच लिया कि ठीक है, अब मना कर ही देंगे, अब ये राजी नहीं है तो हम क्या करें। महीना, दो महीना, छह महीना जब बीता, वो बालक आया बूढ़े व्यक्ति के पास में, बोले, बाबा आपने ब्याह की बात की थी पर आप गांव आके तो भूल ही गए, अब देखो विवाह कर दो, बहुत समय बीत गया है। बुजुर्ग व्यक्ति बोले, कौन सा विवाह? बोले, आपने जो वचन दिया था। बोले, कौन सा वचन? बोले, वहां वृंदावन में। बोले, कौन सा वृंदावन? मेरी तुम्हारी कोई बात नहीं। बोले, आपने ही तो कहा था। देखो, मेरे मन में तो कोई चाह थी नहीं, मैंने तो आपसे कहा नहीं था विवाह के लिए, मैं तो पीछे पड़ा नहीं था, आपने कहा, मैं भी राजी हो गया। अब देखो, राजी हो गया तो अब जब विवाह तय हो जाता है ना, भले ही पहले मन में ना हो, लेकिन जब तय हो जाता है तो मन में प्रसन्नताएं तो आने ही लगती है, उत्साह तो होने ही लगता है। बोले, बाबा ये तो अच्छी बात नहीं है। बाबा ने कहा, देखो गलत बात मत करो, मैंने तुमसे कोई बात नहीं की। अब उस बालक ने बाबा से वचन दे के मुंह कर रहे हो। बोले, अच्छा ये बताओ, किसके सामने हमने वचन दिया, कोई है प्रमाण है? अब बालक चुप, कुछ बोल ना पाया, पर फिर भी बालक मन में सोच रहा है, बाबा ने वचन दिया है तो पूरा तो इनको करना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन कैसे इनके मुख से सच निकलवाऊं। बालक ने पंचायत जोड़ी, पांच पंच आकर के बैठ गए, पूरा गांव समाज जुड़ गया, वृद्ध व्यक्ति आकर खड़ा हो गया, दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी। बूढ़ा व्यक्ति कहता है, मैंने कोई वचन नहीं दिया। बालक कहता है, इन्होंने विवाह का वचन दिया था, अब कैसे मानी जाए? तो पंचों ने फिर तो एक ही बात आती है ना, सबूत दो, प्रमाण दो। बालक से कहा, तुम्हारे पास कोई प्रमाण है उन्होंने शादी की बात की? किसी कोई तीसरा व्यक्ति आकर के गवाही दे दे तो हम मान जाए। बालक ने कहा, तीसरा व्यक्ति तो कोई था नहीं, पर हाँ एक जरूर था। बोले, कौन? बोले, गोपाल जी, वो हम दोनों के सामने थे, उनके ही सामने इन्होंने साक्षी दी थी, वचन दिया था कि इसके साथ में अपनी नातिन का विवाह करूंगा। पंचों ने सोचा, गोपाल जी नाम का कोई व्यक्ति होगा, तो उस बालक से कहा, कहाँ रहता है, उसको लिवा करके लाओ। बोले, वो तो वृंदावन में है। तो बोले, वहां से लिवा करके लाओ, यदि वो आकर कह दे तो हम इनकी नातिन से तुम्हारा विवाह करा देंगे। बालक बोला, आकर कह देंगे, ठीक है। चला गया बालक वृंदावन, कटक के पास, जगन्नाथपुरी से, वहां से फिर से आया श्रीधाम वृंदावन, इतनी दूरी से चल करके आया, वही गोपाल जी के समक्ष जाकर बैठ गया, सारा वृत्तांत सुनाया और गोपाल जी से कहा, आपको चलना पड़ेगा, साक्षी देनी पड़ेगी, गवाही देनी पड़ेगी, आज आप यदि मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं झूठा पड़ जाऊंगा, मेरी थूतू होगी, गांव के लोग
अरे उनके साथ, उनकी नातिन के साथ, क्या किसी और कन्या के साथ भी मेरा विवाह नहीं होगा। आपको चलना पड़ेगा। बीत गया पूरा दिन पर भगवान कुछ ना बोले। एक दिन, दो दिन, पांच दिन, दस दिन, तेरा ही जमा करके बैठ गया, जाने का नाम ही नहीं लेता। जब 10-15 दिन बीत गए तो भगवान के सामने रोता हुआ कहता है, यदि आप नहीं चले मेरे साथ साक्षी देने तो मैं जमुना में कूद करके प्राणों का परित्याग कर दूंगा, आपको चलना पड़ेगा। और जैसे ही उसने रोना प्रारंभ किया कि मैं मर जाऊंगा, मृत्यु की बात सुनी तो भगवान भीतर से पर्दे की ओट में बोले, कैसे चलूं तेरे साथ, मूर्ति कोई चलती थोड़ी है, कैसे चलूंगा। जैसे ही उस बालक ने सुना कि गोपाल जी बोले मूर्ति चलती थोड़ी है, तो बालक बोला, मूर्ति चलती नहीं है तो मूर्ति बोलती भी नहीं है, और अगर मूर्ति बोलती है तो मूर्ति चल भी सकती है। पर्दा हटाया, गोपाल जी के चरणों को पकड़ लिया, अब तो आपको चलना ही पड़ेगा। अब तक तो शंका भी थी पर अब विश्वास हो गया कि जब मूर्ति बोल सकती है तो मूर्ति चल भी सकती है। गोपाल जी बोले, मैं तो फंस गया चक्कर में, मैंने तो सोचा इसको कह करके लौटा दूंगा, पर अब तो जाना पड़ेगा, आप चलो मेरे साथ में गवाही दे। गोपाल जी बोले, चलूंगा तो सही, एक शर्त। क्या शर्त है? बोले, तू आगे आगे चलना, मैं पीछे पीछे चलूंगा, और तू मुड़कर मत देखना, जहां तूने मुड़कर देखा मैं वहीं थम जाऊंगा, फिर उससे आगे नहीं बढ़ूंगा। वो बोला कि क्यों, आगे आगे मैं चलूं, पीछे पीछे आ, पर मैं मुड़कर क्यों नहीं देखूं। भगवान बोले, देख, त्रिभंग लली हमारा रूप है। त्रिभंग लली माने हमारे बिहारी जी खड़े होते हैं ना, बिहारी जी का जो स्वरूप है वो त्रिभंग लली का है, टेढ़े खड़े होते हैं, तीन जगह से मुड़े हुए हैं बिहारी जी। और भगवान कहते हैं कि देख, हम अपनी कमर को बलखाते हुए चलते हैं, पैरों में नूपुर बजते हैं, पर हम जैसे चलते हैं ना, हमारी जो चाल है, हम चाहते हैं कि कोई वो देखे नहीं, क्योंकि अगर हमें चलते हुए कोई देख लेता है तो हमें शर्म आ जाती है, लाज आ जाती है। इसीलिए तू देखना मत, आगे आगे चलना, पीछे पीछे हम, पर हाँ गारंटी हम चलेंगे। वो कहता है, ठीक है, कुछ भी करो पर चलो तो सही। आगे आगे बालक चलने लगा, पीछे पीछे गोपाल जी चलने लगे। चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, श्रीधाम वृंदावन से पहुंच गए हैं जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी से 2 किलोमीटर पीछे जब समुद्र के किनारे रेत में ठाकुर जी चलने लगे, भगवान उससे कह कर के आए थे कि एक शर्त, तू मुड़के मत देखना, और दूसरी शर्त है कि हमको भोग खूब लगाना, हमें भोजन बहुत प्रिय है, तो जब हम कहें कि भूख लगी तभी वहीं पर रुक करके हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर देना। तो जहाँ ठाकुर जी कह देते भूख लगी है वहां पवा देता था, फिर चल पड़ते थे। 2 किलोमीटर पीछे समुद्र किनारे जब ठाकुर जी चल रहे हैं तो कहते हैं भगवान के पैर रेत में धसने लगे। अब रेत में धस रहे हैं पैर तो पायल बज नहीं रही है, पायल की ध्वनि आ नहीं रही है। अब तक तो वो बालक उन नूपुर की ध्वनि को सुनकर के चल रहा था कि मेरे पीछे पीछे गोपाल जी आ रहे हैं, लेकिन जब नूपुर की आवाज आना बंद हो गई तो उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि गोपाल जी रुकी गए हों, कहीं चल भी रहे हैं, नहीं चल रहे, देखूं तो सही। जैसे ही मुड़ करके देखा तो जिस स्वरूप में ठाकुर चल रहे थे उसी स्वरूप में भगवान स्थापित हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान जय हो। दर्शन किया, गदगद हो गया, क्योंकि अब तक चलते हुए देखा नहीं था वो स्वरूप, वो झलक, वो अलकावली, वो त्रिभंग लली स्वरूप जैसे देखा वो गदगद हो गया। ओझल नेत्रों से दंडवत प्रणाम करता है, देखा तो वृंदावन में भी था, पर ये स्वरूप तो कुछ अचंभे वाला है, कुछ आश्चर्य वाला है।
दंडवत प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम करके बोला, गोपाल जी चलिए, बस थोड़ी दूर रह गए हैं, 2 किलोमीटर बस मेरा गांव आ ही गया। गोपाल जी बोले अब नहीं चलूंगा, शर्त याद है कि नहीं? मैंने कहा था मुड़कर देखना ही मत, देख लिया वहीं रुक जाऊंगा। बालक बोला क्या कर रहे हो महाराज, इन वृंदावन से इतनी दूरी चल करके आगे अब 2 किलोमीटर नहीं चल सकते हो, पास में ही गांव है, थोड़ी दूर और चल लो महाराज, पूरी पंचायत बैठी होगी, समाज जुड़ेगा, थोड़ी दूर की बात 2 किलोमीटर। तो भगवान कहते मैं मीलों चल करके आया, तेरी पंचायत 2 किलोमीटर चल कर नहीं आ सकती, तेरा गांव 2 किलोमीटर चल के नहीं आ सकता, मैं इतनी दूरी से आया। अरे जब इतनी दूरी से गवाही देने आया तो तू अपने गांव वालों को यहां तक ले आ। वो कहता है ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। वो दौड़ करके गया और पंचों से जाकर के बोला, गोपाल जी आ गए हैं गवाही देने के लिए, चलो उनके पास। वो बोले कि क्यों गोपाल जी को यहाँ तक लेकर के आ? अरे नहीं नहीं वो नहीं आएंगे, इतनी दूर से चल कर आए तो तुम नहीं चल सकते हो, पास नहीं है, चल करके देखो ना वहाँ पर। सबने सोचा, अब जिन लोगों को ये शंका थी, बुजुर्ग व्यक्ति ने देखा कि वहाँ पर तो कोई तीसरा था ही नहीं भगवान, लेकिन वो कैसे आ सकते हैं? पर ये कह रहा है देखकर तो आना चाहिए, पूरा गांव, पूरा समाज, पंच, पूरा वृद्ध व्यक्ति का परिवार वहाँ गोपाल जी के सामने एकत्रित हो गया। पंचों ने पूछा, महाराज आप कौन? बोले मैं गोपाल। बोले कहाँ से आए हैं? बोले वृंदावन से आया हूँ। बोले क्या बातें हुई थी आपके सामने? बोले ये सत्य कह रहा है, मेरे सामने बैठ करके इस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी नातिन के ब्याह का वचन इसको दिया था कि गांव में जाकर मैं अपनी पोत्री के साथ में तेरा विवाह करूँगा, लेकिन अब ये झूठ बोल रहा है, मुंह कर रहा है, मैं गवाही देता हूँ, मैं वहाँ पर प्रमाणित था, मैं वहाँ पर स्थापित था। पूरा समाज ये देखता रह गया, साक्षात गोपाल जी श्री राम वृंदावन से गवाही देने के लिए आए हैं। कटक के राजा वहां पर आए दर्शन करने के लिए। अब गोपाल जी पधारे हैं तो मंदिर तो बनवाना पड़ेगा। बोले जब तक मंदिर बनेगा समय लगेगा, जगन्नाथ महाप्रभु के बगल में इनको बिठा देते हैं। तो साक्षी गोपाल जी को तभी से गोपाल जी का नाम पड़ गया, साक्षी गोपाल। बोलिए साक्षी गोपाल जय हो। गवाही जो थी साक्षी थी, बिठा दिया जगन्नाथ महाप्रभु के। बहुत कथाएं हैं साक्षी गोपाल। अब बगल में जब बिठा दिया है जगन्नाथ प्रभु के बगल में ही तो भोग लगाया जाता है, तो साक्षी गोपाल तो हमारे ब्रज के ठाकुर हैं, 56 भोग पाते हैं। जब भोग लगाया जाता तो सारा भोग खुद ही पा जाते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु को एक पूड़ी भी पाने नहीं देते। एक दिन बीता, दो दिन, चार दिन, 10 दिन बीत गए, तो एक दिन जगन्नाथ महाप्रभु थोड़ा उदास थे, तो वहाँ के पंडा पुजारियों ने देखा, जगन्नाथ प्रभु से कहा महाराज कुछ उदास लग रहे हो। जगन्नाथ प्रभु बोले उदास की बात करते हो, देखो मेरी हड्डियां निकली हुई हैं, पेट पीठ से लग गया है, 10 दिनों से भूखा बैठा हूँ, अरे तुम लोगों ने मुझे कुछ खिलाया ही नहीं है। पंडा पुजारी बोले महाराज रोज तो भोग लगाते हैं, आप कह रहे हो आपको कुछ नहीं खिलाया कैसे? बोले तुम तो भोग लगाते हो, पर वो साक्षी गोपाल, वो दूसरा जो ठाकुर आ गया है ना वृंदावन से, जब तुम भोग लगाते हो तो सारा वही पा जाता है, हमें पाने ही नहीं देता। मैंने कहा था ना आपसे, हमारे कन्हैया इनके बड़े नखड़े हैं महाराज, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये चाहिए, वो चाहिए, वो रसगुल्ला, वो मेवा, वो मिष्ठान, चिनौरियों से इनका पेट थोड़ी भरता है, उनको तो खूब बढ़िया मेवा मिष्ठान चाहिए, बढ़िया मेवा के लड्डू पवाओ, मेवा की खीर पवाओ, बढ़िया माखन मिश्री। जगन्नाथ महाप्रभु कहते जब तक ये रहेगा मेरे बगल में मैं भूखा ही मरूंगा, भैया इसे लेकर जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए ये अपने बगल में। तब कटक के राजा तक ये संदेश पहुंचाया गया। पंडा पुजारियों ने प्रार्थना की महाराज वो मंदिर का निर्माण कार्य जो चल रहा है उसको जल्दी जल्दी पूरा कराइए, नहीं तो वो जो साक्षी गोपाल बैठे हैं ना, हमारे जगन्नाथ प्रभु और उन दोनों के बीच घमासान युद्ध हो जाएगा भोजन को लेकर। तब राजा ने जल्दी से कार्य किया,
और साक्षी गोपाल का वो मंदिर वहाँ पर निर्माण किया गया और वहाँ गोपाल जी को स्थापित किया गया। इसलिए कहा जाता है जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने के बाद में साक्षी गोपाल का दर्शन करो, 2 किलोमीटर दूरी पर है। तो साक्षी देते हैं गोपाल जी की आपने ये यात्रा संपूर्ण की है। बोलिए गोपाल जी भगवान की। वैसे ही साक्षी गोपाल आपके शिवधाम में भी विराजित हैं, ये भी तो साक्षी देते हैं कि आप शिवधाम में आए हैं या नहीं आए हैं। इनका दर्शन नहीं करोगे तो फिर साक्षी कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कि शिवधाम में आए हो या नहीं आए। नाम है ठाकुर का साक्षी गोपाल, तो उनका काम तो गवाही देने का है ही। इसलिए जब भी शिवधाम आओ तो गोपाल जी का भी दर्शन अवश्य करो। पहले शिव स्नान कराओ, पहले भगवान भूत भावन को जल से दूध से अभिषेक कराओ और फिर बाद में गोपाल जी का भी दर्शन अवश्य करो। जो साक्षी दें इस बात का कि हाँ आप लोग शिवधाम आए। मेरे कहने का तात्पर्य है भगवान से प्रेम करने का मतलब उनसे कोई रिश्ता जुड़ना, उनसे कोई संबंध स्थापित होना। रिश्ता जुड़ेगा तो प्रेम बढ़ेगा। कोई भी संबंध स्थापित कीजिए, पुत्र मानिए, पौत्र मानिए, भाई मानिए, पति मानिए, बेटा मानिए, सखा मानिए, कोई भी संबंध जो आपको बढ़िया लगे वो संबंध स्थापित करो। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता से नजरे मिला ना पाए।
Yeah.
ऐसा थोड़ी है, रिश्तेदारी तो दोनों तरफ से निभाई जाती है ना। ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है, दोनों हाथ से बजती है। तो कह दो ठाकुर जी से कि प्रभु जब संबंध स्थापित हो ही गया है तो बार बार हम ही क्यों आए। अरे जैसे हम तुम्हारे यहाँ आते हैं तो जब जब हम बुलाए तो तुम भी हमारे यहाँ पहुँच ही जाना। जैसे साक्षी गोपाल का दर्शन करने जाना हो तो वो तो बहुत दूर है, हर व्यक्ति के लिए सुलभ नहीं है ना। अभी मन करे आपने कथा सुनी और आपका मन खूब हो रहा हो, मुझे भी दर्शन करने जाना है, मैं भी तो देख कर आऊँ क्या वास्तव में ऐसे गोपाल जी हैं। पर इतना आसान नहीं है, व्यवस्था करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, पर उनका स्वरूप आप अपने ठाकुर में देख सकते हैं। जब आप कीर्तन करें, यहाँ मंदिर में कोई भी उत्सव मनाएं, जैसे अभी जन्माष्टमी आएगा तो खूब धूमधाम से उत्सव मनाओ, यहाँ गोपाल जी का कीर्तन करो, सत्संग करवाओ, उत्सव मनाओ, धूमधाम से नंद महोत्सव मनाओ और कह दो गोपाल जी से हम इतनी दूर आए क्यों भैया, जब रिश्ता जुड़ ही गया है तो आप ही क्यों ना चलकर हमारे पास में आ जाओ। तो जब हम उत्सव मनाएं तो आप भी हमारे पास जरूर आए। कभी सिर्फ यही है अपने भक्त के लिए, अपने प्रेमी के लिए भाव यदि सच्चा होगा तो भगवान सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। मूर्ति है, प्रतिमा है, कैसे चलेगी, कैसे बोलेगी, लेकिन भाव सच्चा था, श्रद्धा सच्ची थी तो गोपाल जी उसके पीछे पीछे चल पड़े, प्रकट हो गए, प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर दर्शन दिया। बात सिर्फ विश्वास की है, बात सिर्फ भाव की है, बात सिर्फ श्रद्धा की है। ध्यान देना, विश्वास है तो ये ईश्वर है, परमात्मा है, और विश्वास नहीं तो ये पीतल की मूर्ति है। हमारे अंदर भाव ही तो है, ये विश्वास है। ठाकुर जी को स्नान कराना है, सवेरा हो गया, जगा दो, रात हो गई, अब मूर्ति को ये सब करने की क्या आवश्यकता है बताइए। सोना, जगना, खाना पीना,
पर हम मूर्ति नहीं मानते ना, हमारे अंदर भाव है कि नहीं, इनमें भी प्राण है, चित्त है। जैसे हमें भूख लगती है, ठाकुर को भी भूख लगती है। पवाओ, स्नान कराओ, आभूषण पहनाओ, वस्त्र पहनाओ, भोग लगाओ। अब नींद आ रही होगी तो सुला दो, अब थक गए होंगे विश्राम करा दो। भाव ही तो है, और भाव है इसलिए ये परमात्मा है। अर्थात भाव नहीं तो पीतल की मूर्ति है, इसलिए तो कहा गया जिस भाव ना में भाव ना हो वो भावना बेकार है, और भावना अगर सच्ची तो भव से बेड़ा पार है। बोलो भक्तवत्सल भगवान जय हो। इस प्रकार ब्रजवासियों को आनंदित करते हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। चीर हरण किया था भगवान ने, चीर हरण की लीला रची थी। जिन जिन गोपियों का चीर चुराया था प्रभु ने, उन्हीं गोपियों को संकेत किया था कि मैं तुम सबके साथ में रास करूंगा, तुम सबके मनोरथ को पूर्ण करूंगा। इसलिए प्रभु ने मन में विचारा शरद ऋतु आई है तो क्यों ना मैं इन गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करूं। कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आने वाली शरद पूर्णिमा की रात को मैं इन सब गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करूंगा। और भगवान ने सबको स्वप्न दिया, मैं तुम सबके साथ में महारास लीला रचूंगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, पूर्णिमा आई, शरद पूर्णिमा। निकुंज वन में ठाकुर जी विराजित हैं, महारास लीला करने के लिए बैठे हैं। ये गोपियां जिनके मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं भगवान। कहते हैं हमारे वृंदावन में कात्यायनी माता का मंदिर है, गोपियां रोज कात्यायनी माता के मंदिर में जाती हैं, पूजा करती हैं। कि कात्यायनी महामाए महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नम। हे कात्यायनी मैया, नंद राय के पुत्र हमें पति रूप में प्राप्त हो जाएं, ऐसा वरदान चाहती है। कात्यायनी मैया प्रसन्न हो गई, वरदान दे दिया, तुम सबकी इच्छा पूर्ण हो जाए। हमारे वृंदावन में आज भी ऐसी मान्यता है, किसी कन्या का विवाह ना हो रहा हो, कोई अर्चन आ रही हो, नित्य प्रति नियम से कात्यायनी माता के मंदिर में जाए, दर्शन करे, पूजन करे, तो उसकी मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है। गोपियों के भाव को पूर्ण करने के लिए भगवान रास करने का निश्चय करते हैं। कहते हैं एक बार कामदेव भ्रमण कर रहे थे, सामने से आते नारद जी को देखा। कामदेव ने नारद जी से कहा, भैया मैं युद्ध करना चाहता हूँ तुमसे। नारद बोले, पर मेरी कोई इच्छा नहीं है युद्ध करने की। कामदेव ने कहा, करना तो पड़ेगा, मेरी तो इच्छा है। बहुत से लोगों का स्वभाव होता है ना कि लड़ाई का कोई माहौल ना हो फिर भी माहौल क्रिएट कर देते हैं। सामने वाला कुछ भी ना कह रहा हो फिर भी उसको उकसाते हैं कि वो लड़े, वो झगड़े, कुछ तो बोले। कामदेव ने कहा, मैं मुझे तो करना है। नारद जी बोले, भैया नहीं चाहता, मुझे जाने दो, मैं तुमको देखना भी नहीं चाहता। कामदेव ने कहा, ऐसे कैसे चले जाओगे, मैं तो करना चाहता हूँ युद्ध। जिधर से नारद निकले कामदेव आकर खड़ा हो जाए। नारद जी बोले, भैया माफ कर मुझे, मुझे तेरे साथ युद्ध नहीं करना। कितनी बार युद्ध कर चुका हूँ तेरे साथ, पर मुझे तू हरा ही देता है, हारना पड़ता है, मैं नहीं झगड़ा कर सकता तेरे साथ। कामदेव ने कहा, तो भैया कर नहीं सकते तो करने वाला तो बता सकते हो। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, सामने वाले से झगड़ा करेंगे जानबूझकर, स्वभाव होता है। और अगर वो कुछ ना भी बोले ना तो वो उससे कहेंगे कि कोई और सामने आ जाए जिससे मैं झगड़ा करूं।
उन दोनों के बीच में कुछ तीसरा आकर खड़ा हो जाएगा ना, तो वो व्यक्ति देखेगा अब ये तो बोल नहीं रहा था, चलो इसी को पकड़ लिया जाए, क्योंकि उनको तो करना ही है झगड़ा, तू नहीं तो दूसरा सही कोई तो मिले। तो कामदेव कहता है महाराज तुम नहीं कर सकते तो दूसरा बताओ, पर मुझे तो झगड़ा करना ही है, युद्ध करना है, बता तो सकते हो। नारद जी बोले हाँ ये काम तो आता है, लड़ना नहीं जानते पर लड़वाना जानते हैं, युद्ध नहीं कर सकते पर करने वाला बता सकते। कौन? बोले द्वापर कांत चल रहा है, भगवान ने कृष्ण अवतार लिया है, चले जाओ उनके साथ युद्ध करो, ऐसी भुजाओं की खुजली शांत होगी कि दोबारा कभी इच्छा ही नहीं होगी युद्ध करने की। कामदेव ने कहा अच्छा ऐसी बात है क्या? बोले तब तो लड़ने में मजा आएगा भाई, युद्ध करने के लिए मैदान में कोई उतरे तो युद्ध भी तो बराबरी वालों में होता है, हट्टा कट्टा मनुष्य हो तो उससे लड़ने का मजा ही कुछ और होता है। अब लड़ने के लिए चले जाओ, सामने वाला डेढ़ हड्डी का हो तो महाराज देख के ही लगता है क्या लड़ेंगे इससे, एक ही मुक्के में चला जाएगा। तो युद्ध भी तो बराबरी वालों में भाता है। कामदेव ने कहा ऐसे है क्या? बोले हाँ चले जाओ, ऐसा युद्ध होगा कि दोबारा कभी युद्ध की चाह ही नहीं होगी। कामदेव पहुंच गए निकुंज वन में, भगवान बैठे हैं। कामदेव ने कहा प्रभु युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान कहते अच्छा लेकिन कैसा युद्ध करोगे? एक मैदान का युद्ध होता है, एक किले का युद्ध होता है, तुम्हें कैसा करना है? कामदेव ने कहा थोड़ा विस्तार करेंगे क्या क्या कैसे कैसे होता है? बोले किले का युद्ध तो वो होता है मैं समाधि लगाकर बैठ जाऊं, तुम अपने काम रूपी बाणों को छोड़ो, मेरे भीतर काम जागृत हो गया तुम जीते मैं हारा, नहीं जागृत हुआ तो मैं जीता और तुम हारे। बोले ये वाला नहीं करना है, ऐसे तो बहुत सारे किए हैं, ये वाला युद्ध करते करते तो थक गया बोर हो गया हूँ, बड़े बड़े महात्माओं की समाधि को भंग किया है मैंने, दूसरा बताओ वो किस टाइप का युद्ध है? बोले दूसरा मैदान का युद्ध है, अनंत स्त्रियों के साथ में मैं नृत्य करूंगा, तुम अपने काम रूपी बाणों को छोड़ो, यदि काम जागृत कर दिया तो तुम जीते मैं हारा, यदि नहीं जागृत कर पाए मैं जीता तुम हारे। कामदेव बोला बस यही वाला करना है, ऐसा आज तक युद्ध नहीं किया है, ठीक है आ जाना शरद पूर्णिमा की रात को और मैं अनंत गोपियों के साथ रास करूंगा, पर एक बात ध्यान रखना कामदेव, युद्ध करने तो आओगे पर हार तुम्हारी निश्चित है। कामदेव बोला नहीं महाराज, अब की बार मुझे लगता है मैं जीत सकता हूँ। कैसे? बोले रामा अवतार लेकर के जब आप आए थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक पत्नी व्रति थे, जानकी जी को छोड़कर पर स्त्री की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, तो मैं हार गया था उस समय, पर अब की बार मेरी जीत निश्चित है। क्यों? बोले अब की बार आपकी एक पत्नी तो है नहीं, अनंत अनंत स्त्रियों के साथ में नाचोगे तो मुझे लगता है अब की बार मेरी जीत हो ही जाएगी। आज कामदेव को भी सांत्वना प्रदान की है, आई है शरद पूर्णिमा की रात, निकुंज वन में भगवान विराजित हैं। सबसे पहले अपनी मुरली को अधरों से लगाते हैं और ऐसी धुन बजाते हैं, गोपियों को पुकार रहे हैं, रास के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, बुला रहे हैं भगवान। गोपी जब धुन सुनती हैं दीवानी हो जाती हैं, मस्तानी हो जाती हैं, बेसुध हो जाती हैं, देहाभिमान शून्य हो जाती हैं, दौड़ पड़ती हैं, कुछ भी नहीं सूझता। मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई, पूरे ब्रज मंडल में मुरली की धुन, एक एक गोपी का नाम पुकारा जा रहा है उस धुन में, जो भी गोपी नाम सुनती है दौड़ पड़ती है। एक गोपी घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी, भगवान ने बंसी की धुन बजाई और उसका नाम पुकारा, जैसे ही नाम सुना बेसुध हो गई और जैसे ही दौड़ी तो झाड़ू रखना भी भूल गई, लेके ही दौड़ पड़ी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी,
भगवान ने बंसी की धुन बजाई, उसका नाम पुकारा, दीवानी हो गई। होठों पर लगाने वाली लिपस्टिक पैरों में पोत गई, पैरों की महावर होठों पे पोत गई। दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने, खीर में नौन, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई, मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। एक गोपी भोजन बना रही थी, एक चूल्हे पर खीर रखी है, डालने वाली है शक्कर। भगवान ने बंसी बजाई, नाम पुकारा, बेसुध हो गई। नमक का डिब्बा उठाया और पूरा उड़ेल गई। दाल बनी रखी है डालने वाली नमक, तो चीनी का डिब्बा उठाया और दाल में डाल गई। दौड़ पड़ी एक गोपी अपने बच्चे को भोजन करा रही है, तो बालक ने कहा, मैया रूखा माखन खिलाएगी, तनिक मिश्री तो मिला। जैसे ही मिश्री लेने दौड़ी, भगवान ने बंसी की धुन बजाई, दीवानी हो गई। लाल मिर्ची का डिब्बा उठा कर लाई और माखन में मिला के बच्चे को पवा दी। दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने, गऊ को साग, ससुर को भूसी। मेरा निवेदन है भक्तों से, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, थोड़ा थोड़ा आगे की सकाओ। बड़ा अच्छा लगता है जब आगे खिसकाने के लिए बोला जाता है ना? हाँ, मुझे बड़ा आनंद आता है जब ऐसे बोलना पड़ेगी, आगे खिसकाओ। देखो मैंने निवेदन किया था, वक्ता नहीं सुनाता है कथा, श्रोताओं का प्रेम जिज्ञासा होती है तब वक्ता बोलता है, और श्रोताओं की संख्या बढ़ती है तो वक्ता को एनर्जी आती है। देखो कितनी संख्या में लोग सुन रहे हैं। अब आप में दो चार बैठे होते तो मुझे उतना मन से मैं नहीं सुनाती, सुनाना तो पड़ता भाई। अब कथा सुनाने आए हैं तो सुनाना तो पड़ेगा, लेकिन जब ज्यादा संख्या बढ़ती है, हाउसफुल हो जाए, तब आनंद कुछ और ही आ रहा है, तब मन लगता है, तब लगन लगती है कथा सुनाने। इसलिए तो घड़ी का भी पता नहीं चलता। देखो कितना समय हो गया, और अभी ऐसा था, ये भी सुनाना है, वो भी सुनाना है, पर घड़ी को भी भागना पड़ता है। और मुझे समझ नहीं आता ये कथा में ही क्यों भागती है। सवेरे से हम जागते हैं, चाय पानी हो जाए, फलार हो जाए, तो 12 बज के नहीं देते हैं, और 1 बज जाओ तो 4 बड़ी जल्दी बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता। माने तब से तो 12 बहुत देर लगती है, क्या विश्राम कर लिया जाए थोड़ी देर, अभी चलो फलार में समय, अभी 10 ही बजे चलो एक और चाय पी लेते हैं, और यहाँ आते ही 4 इतनी जल्दी बजते हैं कि समझ ही नहीं आता घड़ी इतनी रफ्तार कैसे पकड़ लेती है। ये देखो आनंद की बात होती है, जब आनंद कहते हैं ना, खुशी के दिन, खुशी का समय बहुत जल्दी बीत जाता है। कितने दिनों से लग रहा था शिव धाम में, पन्याला में कथा है, कथा है, कथा है, और आज छठवा दिन हो गया, पलक झपकते ही समय बीत गया, पता भी नहीं चला। ये खुशी का समय, खुशी के पल बहुत जल्दी बीतते हैं। कोई संकट की घड़ी हो, कोई दुख का समय हो, तो एक एक क्षण, एक एक पल भी कांटे से नहीं कटता। और कोई बढ़िया आनंद की लहर दौड़ रही हो, कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा, बड़ी जल्दी। देखो जब तक कथा की तारीख नहीं रखते हैं ना, तब तक समय का पता लगता है। और जिस दिन डेट फिक्स हो जाए कि फलाने दिन से कथा होनी है, फिर देखो कितनी जल्दी समय भागता है। फिर ऐसे महीने निकलते हैं, ऐसे तिथि पास आ जाती है, और वो 7 दिन भी कब निकल जाए पता ही नहीं चलता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रार्थना है ठाकुर जी से कि आपके सबके समय को भगवान ऐसे ही व्यतीत करवाता रहे, इस शिवधाम में आप ऐसे ही जुड़े रहें, आपका आना जाना, आपकी लगन ऐसे ही यहाँ बढ़ती रहे, आपके द्वारा उत्सव ऐसे ही मनाए जाते रहें। कोई भी उत्सव हो, आप यहाँ मंदिर में सब इकट्ठे होकर के आओ और धूमधाम से उत्सवों को मनाओ, चाहे वो शिवरात्रि का हो, चाहे वो श्रावण का हो,
चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे वो राधाष्टमी हो, कोई भी उत्सव हो। अब आपके गांव में ये धाम है, आपके गांव में मंदिर है, किसी एक का तो नहीं है ना, किसी एक की जिम्मेवारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए सबका जुड़ना बहुत आवश्यक है। मैंने एक दिन निवेदन किया था कि श्रद्धा जो होती है, वास्तव में श्रद्धा वो कभी घटती नहीं है, बढ़ती है, दिन प्रतिदिन और नित नई ताजा होती है, उत्तरोत्तर बढ़ती है। तो यदि ये श्रद्धा वास्तविक है तो दिन प्रतिदिन बढ़नी ही चाहिए। दिन प्रतिदिन मंदिर से जुड़ना, यहाँ आना, यहाँ से अपने आप को जोड़ना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तभी तो ठाकुर प्रसन्न होंगे, और कृपा है आप सबके ऊपर, तभी तो इतना संख्या में बैठे हो। कृपा नहीं होती तो संख्या तो बहुत कम होती ना। कृपा है तब आप घर से निकल कर आए हो, तब इस सत्संग में चार चांद लग रहे हैं, तब इस कथा में। देखो कथा कोई कहे कि व्यास जी ने बहुत बढ़िया सुनाई इसलिए भीड़ हुई, कोई कहे कि आयोजकों ने व्यवस्था अच्छी की इसलिए भीड़ हुई, कोई कहे कि लंगर अच्छा बना इसलिए भीड़ हुई, इसलिए कथा का मजा आया, इसलिए कथा का आनंद आया। अच्छा वक्ता हो, अच्छी व्यवस्था हो, लेकिन कथा का आनंद तो तभी आता है जब श्रोताओं की संख्या ज्यादा हो। कोई कितना भी बढ़िया कथा सुनाए, कितना भी बढ़िया लंगर हो, कितनी भी डेकोरेशन, कितनी भी व्यवस्था, उसका कोई आनंद नहीं है। आनंद तो तभी होगा जब श्रोताओं की संख्या ज्यादा होगी। तो ये आनंद मेरे आने से नहीं हुआ, ये आनंद तो आप सबके आने से हुआ है। इसलिए एक बार अपने लिए ताली बजाओ, अब बजाओ जोरदार ताली। आप सबके आने से, आप सबके सहयोग से, आप सबके संख्या को बढ़ाने से ये आनंद यहाँ पर बरस रहा है। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। आज गोपियाँ उस बंसी की धुन को सुन करके बेसुध हैं, दीवानी हैं, मस्तानी हैं, दौड़ रही हैं कृष्ण से मिलने को। एक गोपी अपने सास ससुर को भोजन की थाली लेकर जा रही थी। भगवान ने बंसी बजा दी, उसका नाम पुकारा, दीवानी हो गई। जैसे ही लेकर जाने लगी भोजन, देहाभिमान शून्य हो गई। सामने से उसकी गाय रंभाने लगी। सास ससुर को देने वाली थाली तो गाय के सामने रख गई, और गाय को देने वाला भूसा सास ससुर के सामने रख गई। दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए। गऊ को साग, ससुर को भूसी, ऐसी मति बौर आई, मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मच। हजारों लाखों गोपियां एकत्रित हो गई हैं निकुंज वन में। भगवान ने जैसे ही उन गोपियों को देखा, सबसे पहले उन गोपियों का स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयम् गच्छिद भूतागमन कारण। अरी ब्रजांगनाओं, अरी ब्रजबामाओं, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। मैंने तुमको बुलाया, तुम चली आई, पर क्यों आई हो, किस कारण से आई हो, आने का कारण भी बताओ। गोपियों से जब भगवान कहते हैं ब्रूता गमन कारणम, तब गोपियां कुछ बोल नहीं पाती हैं। पहले कोई बुलाए और बुलाने के बाद हमसे कहे कि क्यों आए हो, तो अपमान लगता है, अनादर लगता है। अरे जिसने बुलाया है, अब ये तो वही जाने ना कि क्यों बुलाया है। क्या कहती हैं गोपियां? अब आप कहोगे भगवान ने पहले तो बंसी बजा कर बुलाया और फिर अब प्रश्न करते हैं क्यों? क्यों? देखो भगवान परीक्षा लेते हैं, काम है उसका परीक्षा लेना, और वो जरूर लेगा। हम लोग 100 रुपए का मटका भी खरीदने जाते हैं, उसको भी 10 बार ठोक बजाकर देखते हैं, कच्चा तो नहीं है, फूटा तो नहीं है, चटका तो नहीं है।
परीक्षा है हमारी कि संकट की घड़ी में हम परमात्मा को याद रखते हैं या भूल जाते हैं, क्योंकि परीक्षा तो संकट काल में होती है भैया। सुख में तो सब नाम ले लेते हैं, पर वास्तव में भक्त तो वे है जो दुख की घड़ी में भी परमात्मा को याद रखे। क्योंकि परिस्थिति जब प्रतिकूल होती है ना, तब व्यक्ति का विश्वास परमात्मा से हट जाता है, हम भूल जाते हैं भगवान को। ये जो देवताओं को चेंज करने की प्रक्रिया, ये तभी तो होती है। सब कुछ ठीक चल रहा है, हम मंदिर आ रहे हैं, और आज थोड़ा सा परिस्थिति को बिगड़ने दीजिए, हम कहेंगे अरे छोड़ो भोले बाबा, सुनते ही नहीं है, चलो कहीं और चलेंगे, हनुमान जी के पास चलते हैं। थोड़ा सा परिस्थिति प्रतिकूल होने दीजिए, हम कहेंगे छोड़ो हनुमान जी को, सुनते ही नहीं है, चलो शनिदेव के पास चले। तभी तो देखा जाता है सब कुछ ठीक चल रहा है तो सब सही है, लेकिन भगवान कहते हैं जो दुख के समय में मुझे याद आके, इसलिए वो पग पग पर परीक्षा लेते हैं। ये संकट का काल आना समझ लो परीक्षा ले रहे हैं। और ध्यान देना, जिसके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा है, समझ लो भगवान की सीधी नजर है आपके ऊपर। क्योंकि जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ही नहीं है, तो समझ लो भगवान का हम पर ध्यान ही नहीं है। सीधा सीधा जीवन चल रहा हो, सुख 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 अच्छे दिन ही आ रहे हो, तो कैसे पता लगेगा? अरे जीवन के बारे में तो तब पता लगता है जब सुख आए और सुख के बाद में दुख आए। क्योंकि दुख झेलने के बाद जब सुख आता है ना, तब सुख का आनंद ही कुछ और होता है। अरे दिन है तो रात, रात आती है तब सुबह के सूरज की हम चाह करते हैं कि सवेरा आए, और दिन 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 ही होता रहे, रात आए ही ना, तो दिन का आनंद कैसे लेंगे, वो सुख का सवेरा कैसे पता लगेगा? इसलिए जिंदगी में सुख और दुख दो पहिए हैं गाड़ी के, कभी सुख है तो कभी दुख, ये जरूरी है। ईसीजी मशीन देखी है आपने? देखी है ना? नहीं देखी तो देखना मोबाइल पर। उसमें एक लाइन चलती है ईसीजी मशीन में, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन लाइन चल रही है, तो समझ लो व्यक्ति जीवित है। और अगर लाइन स्ट्रेट हो जाए, तो अगर लाइन सीधी हो जाए तो मतलब व्यक्ति डेड, मर गया। अब इसमें कुछ है ही नहीं, तो व्यक्ति जीवित है। इस बात का प्रमाण क्या है कि वो लाइन ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है। तो जीवन में भी ये जो सुख और दुख है, ये जो उतार चढ़ाव है, इसका मतलब है अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है, इसका मतलब हम जीवित हैं। और जिस व्यक्ति के जीवन में स्ट्रेट लाइन हो जाए, मत मानो वो डेड है, वो जीता हुआ भी मृतक के समान ही है, वो जीता हुआ भी मरे मुर्दे के समान है, जिसकी जिंदगी सीधे सीधे चल रही है। उतार चढ़ाव जरूरी है, दुख नहीं आएगा तो सुख का अनुभव भी नहीं कर पाओगे। इसलिए परीक्षा लेते हैं ठाकुर, गोपियों की परीक्षा ली भगवान। गोपियां चरणों में गिर पड़ती हैं, कहती हैं महाराज जिस कार्य के लिए बुलाया वो कार्य पूर्ण कीजिए, अब रहा नहीं जाता है। तब भगवान उन गोपियों के साथ में दिव्य महारास लीला करते हैं। प्रत्येक गोपी के साथ में कृष्ण हैं, लाखों गोपियां सबके साथ में कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। माने लाखों गोपियां तो लाखों रूप धारण किए हैं भगवान ने, किसी भी गोपी को ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे साथ कृष्ण नहीं है, हर एक गोपी के साथ में कृष्ण है। पर ध्यान देना, सब गोपी ही गोपी हैं, पुरुष सिर्फ कृष्ण है, दूसरे पुरुष का वहां प्रवेश ही नहीं है।
कैलाश पर्वत का उतरंग शिखर, भगवान भोलेनाथ ने देखा पार्वती मैया सज धज कर कहीं जा रही है। भोलेनाथ बोले, देवी जी कहाँ जा रही हो? मैया बोली, दर्शन करने। बोले, किसका? बोले, रास का। बोले, बाबा बोले तो हमें भी ले चलो। पार्वती मैया बोली, आपकी तो एंट्री नहीं है, आप नहीं जा सकते। अरे सब जगह तो जाते हो दर्शन करने, एक जगह नहीं जाओगे तो कुछ हो जाएगा क्या? बोले बाबा, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, भगवान की प्रत्येक लीला का दर्शन करने शंकर तो जाएगा ही जाएगा। पर पार्वती मैया बोली, कैसे संभव है? वहाँ पुरुष सिर्फ कृष्ण है, बाकी सब गोपी गोपी हैं। बोले नाथ, बोले कुछ भी करो पर मुझे तो लेकर चलो। बोले नाथ रास में आने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो आइए हम भी चलते हैं भगवान शंकर के साथ में महाराज का दर्शन करने। बोलो शंकर भगवान की जय हो। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। Yeah.
नाथ बोले अच्छा कैसे क्यों प्रवेश नहीं होगा, बोले कैसे प्रवेश करोगे, आप तो पुरुष हो ना, आपका प्रवेश ही नहीं होगा। मोहन के सिवा तू जा पुरुष न हो भगवान की जय हो, रास बिहारी भगवान की जय हो।
बांध के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवारी जैसे चलने लगे पार्वती मैया बोली प्रभु मुझे लगता है कोई तो आपको पहचान ही लेगा। बोले नाथ बोले चिंता मत करो जब हम वहां पहुंचेंगे तो लंबा सा घूंघट भी लगा ले फिर तो कोई नहीं पहचान। आ गए हैं श्री धाम वृंदावन में जैसे ही रास मंडल में प्रवेश करने लगे ललिता विशाखा दो सखी दरवाजे पर खड़ी हैं रोक लिया देवी जी आपको तो पहचाना पर बगल में कौन खड़ी है इसको नहीं जानना थोड़ा मुख तो दिखाओ। पार्वती मैया बोली थोड़ी शर्मीली है ये सबको अपना मुख नहीं दिखाती भीतर जाके कृष्ण को ही दिखाएगी। अभी अभी रास्ते में मेरी इनसे जान पहचान हुई अभी रस्ते में हमारी मित्रता हो गई मिल गई थी मेरे को। इन्होंने पूछा कहाँ जा रही हूँ मैंने कहा रास में तो ये बोली हम भी चलते हैं साथ मैं ले आई थोड़ा शर्मीली है चेहरा तो नहीं दिखाएगी। ललिता विशाखा बोली अच्छा ठीक है भीतर जाओ और भीतर जा करके पर्दा हटा लेना। हाँ हाँ भीतर हटा लिया। बोले नाथ ने जैसे ही प्रवेश किया पर्दा हटाया और जैसे ही प्रभु को देखा भगवान मन ही मन कहते ओ हो कोई भी लीला छोड़ नहीं सकते यहाँ तो प्रवेश ही नहीं था भेष बदल कर आ गए गोपी बन कर आ गए। देखा जब श्याम ने तो समझ गए हैं सारी बात को सारी बात ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोला नाथ तो भोलानाथ तो ऐसी धुन बजाई बेसुध हो गई भूल गए कि मैं किस परिस्थिति में हूँ। नृत्य करना प्रारंभ किया महाराज अब रास चल रहा है तो धीमे धीमे नृत्य नृत्य भी अलग अलग प्रकार के होते हैं ना रास तो बड़े मध्यम तरीके से चल रहा है पर जब भोलेनाथ बेसुध हो गए तो उन्होंने नृत्य करना शुरू किया और भगवान शंकर तो एक ही नृत्य करते हैं तांडव नृत्य इधर हाथ फेंक उधर हाथ फेंक इधर पैर फेंक उधर पैर फेंक और जैसे ही हाथ पैर फेंकना शुरू किया महाराज गले का हार कहीं गिरा कमर कौंधनी कहीं गई पैरों की पायल कहीं गई हाथों की चूड़ियां कहीं गिरी। भगवान शंकर तांडव कर रहे सब गोपी दूर भाग खड़ी हुई बोले भागो भैया ये तो तांडव करने वाली गोपी आ गई। जैसे ही बंसी की धुन को विश्राम दिया तब भोलेनाथ को होश आया अपना रूप स्वरूप देखा तो शर्म आ गई पार्वती मैया के पीछे जाकर खड़े हो सिर से खिसक गई जब साड़ी मुस्काए बनवारी भोले शर्मा गए हैं भोले शर्मा गए एक दिना भोले भंडारे बन की ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ कन्हैया कहते हैं बहुत सुंदर स्वरूप बना करके आए हो महाराज आपका स्वरूप में रीझ गया अब आज ये रूप बनाकर आएगी हो तो हमेशा इसी रूप से हमारे ब्रज में निवास करो तभी से भोलेनाथ गोपेश्वर महादेव के रूप में श्री धाम वृंदावन में निवास करते हैं। प्रातः काल उनको जल से अभिषेक कराया जाता है और संध्या काल की बेला में गोपी रूप धारण कराया जाता है। भोलेनाथ को घाघरा चोली पहनाते हैं नाक में नथनी पहनाते हैं हाथों में चूड़ी बिल्कुल गोपी रूप में दर्शन देते हैं। कभी भी वृंदावन जाओ सबसे पहले बांके बिहारी का दर्शन करो और बिहारी जी का दर्शन करने के बाद में गोपेश्वर महादेव का दर्शन जरूर करो और कोई करो ना करो वो बात की बात है जैसा समय है वो अपनी सुविधा से देख लो लेकिन बिहारी जी का दर्शन सबसे पहले और उनके बाद में गोपेश्वर महादेव का दर्शन अवश्य करना चाहिए तभी वृंदावन की यात्रा सफल होती है। हमारा मायका हमारा घर जो है माता जी का वो गोपेश्वर महादेव पे ही बिल्कुल घर के सामने ही मंदिर है गोपेश्वर महादेव। अभी भी वृंदावन आना तो भूल नहीं जाना इस बात का गोपेश्वर महादेव का दर्शन जरूर करना। आज भी भोलेनाथ गोपी रूप में बैठ करके दर्शन देते हैं। बोलो शंकर भगवान इस प्रकार भगवान ने
रासलीला की कामदेव का आगमन हुआ, लेकिन भगवान ने कामदेव को युद्ध में पराजित किया। अनंत स्त्रियों के बीच में भी कामदेव कृष्ण के भीतर काम जागृत नहीं कर पाया। भगवान बताना चाहते हैं, कितनी भी स्त्रियां हों फिर भी मैं हमेशा अकामी ही रहूंगा, मेरे भीतर काम जागृत नहीं हो सकता। युद्ध में पराजित किया कामदेव को, गोपियों के साथ में महाराज किया। एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, कान्हा नाचते नाचते पैरों में दर्द हो रहा है। भगवान कहते अच्छा लाओ हम पैर दबा देते हैं, चरण दबाने वाले। एक आई नाचते नाचते गर्मी लग रही है, भगवान अपने पीताम्बर से पंखा करने लगे, हवा करने लगे। तो गोपियों को अहम हो गया, अभिमान हो गया, देखो हमारे लिए कृष्ण सब कुछ करने को तैयार हो। ध्यान देना, भगवान को प्रेम के वश में किया जा सकता है, अहंकार के वश में नहीं किया जा सकता। अहम तो परमात्मा किसी का नहीं देख सकता। देखा प्रभु ने गोपियों को, अभिमान हुआ। किशोरी जू का राधा रानी का हाथ पकड़ा और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, छोड़ कर चले गए। यहां सबको अभिमान हुआ और एक गोपी को मान हुआ, और वो कौन थी? वो थी किशोरी। जब देखा प्रभु ने, किशोरी जू को भी मान हुआ। किशोरी जू मनी मन विचार करते, देखो देखो कितना प्रेम करते हैं मुझसे, सबको छोड़कर आ गए अकेले मेरे साथ में विहार करने के लिए। तब भगवान किशोरी जू को भी छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। गोपियां रुदन करती हैं, विलाप करती हैं, करुण पुकार करती हैं, रोती बिलखती सब जगह कृष्ण की खोज करती हैं, परंतु कहीं भी कन्हैया नहीं मिलते। तब किशोरी जू को देखा, गोपियों ने दौड़ करके गई, हे किशोरी जू कहाँ गए प्रियतम, आपको भी छोड़कर चले गए? किशोरी जू कहती है हाँ वो मुझे भी छोड़कर चले गए, पर हमने सब जगह ढूंढा वो मिलते ही नहीं। राधा रानी बोली, जो चीज जहाँ खोती है वहीं ढूंढनी चाहिए, चलो जमुना के तट पर चलती है वहीं खोजेंगे। यमुना के किनारे घेरा बना करके बैठ गई, बीच में किशोरी जू को बिठाया, और तब उन गोपियों ने बहुत सुंदर गीत गाया, विरह में भरकर, प्रेम में भरकर, जो गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भागवत का सबसे सुमधुर गीत गोपी गीत, जब गोपियां गाती हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये गीत इतना प्रिय लगता है ठाकुर जी को कि जिस घर में इस गीत का नित्य पाठ होता है उस घर में कृष्ण का वास होता है। जयति तेधिकम् जन्मना ब्रजः श्रयत इन्दिरा Mom.
पहुंचते हैं कृष्ण। गोपियां कहती हैं, जाना ही था तो रास क्यों रचाया, और जब चले ही गए थे आए क्यों, आते ही मैं। भगवान कहते हैं, अरे ब्रजबामा, तुम्हारा भाव पूर्ण करने के लिए मैंने रास किया, परंतु मैंने देखा कि तुमको तनिक तनिक अभिमान हो गया है, और जहां अभिमान होता है वहां मैं टिकता नहीं, इसलिए छोड़ गया था। भक्त अभिमान करे तो वह नरकगामी होता है, उसका पतन संभव है। तो परमात्मा कभी चाहते नहीं कि मेरे भक्त का पतन हो, इसलिए भगवान उसको नरक से बचाने की बजाय उसके अंतर हृदय में ही अंतर ध्यान हो जाते हैं, माने गायब हो जाते हैं। है तो वही पर दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि अभिमान का पर्दा पड़ जाता है ना। लेकिन भगवान कहते हैं, जब वो अभिमान का पर्दा हटता है, प्रेम प्रकट होता है, तो इसी अंतरात्मा से मैं प्रकट हो जाता हूँ, इसी अंतर हृदय से प्रकट हो जाता हूँ। अब प्रेम में भर करके तुमने पुकारा, तुम्हें चला आया। गोपियां चरणों में गिर गई, बोली महाराज अब तो उस रास को पूर्ण करो। तब भगवान गोपियों के साथ दिव्य लीला करते हैं, महारास लीला। बोली रास बिहारी भगवान जय हो। रास किसे कहते हैं? बहुत से लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं रास का। भगवान दूसरों की पत्नियों के साथ में नाचते थे, ये भगवान का काम तो नहीं है। दूसरों की स्त्रियों के साथ में रात भर नृत्य करते रहे, ये अच्छी बात तो नहीं है। थोड़ा सा विचार कर लीजिए, रास किसे कहा जाता है? मिलन चार प्रकार का होता है, पति पत्नी का मिलन, गुरु शिष्य का मिलन, मित्र मित्र का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन। पति पत्नी का मिलन शारीरिक मिलन, गुरु शिष्य का मिलन वैदिक मिलन, मित्र मित्र का मिलन मानसिक मिलन, और आत्मा परमात्मा का मिलन आध्यात्मिक मिलन। रास लीला शारीरिक मिलन की लीला नहीं है, रास लीला आध्यात्मिक मिलन की लीला है, जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है। ये कोई साधारण लीला नहीं है। राम अवतार लेकर के आए थे जब भगवान, और 14 वर्ष का वनवास हुआ जब राम जी को, तो वनों में रहने वाले, गुफाओं में रहने वाले महात्मा, समाधि में लीन रहने वाले महात्मा जब राम जी की सुंदर छवि को देखते थे, तो मन में भाव प्रकट होता था, हे राम, यदि हम स्त्री होते तो आपसे प्रेम करते, पत्नी भाव प्रकट करते, आपको पति मानते,
परंतु अब ये तो संभव नहीं है ना, क्योंकि आप भी पुरुष और हम भी पुरुष। हम स्त्री होते तभी संभव होता, या तो हम स्त्री होते या फिर आप स्त्री होते, पर अब इस परिस्थिति में तो ये संभव है नहीं, क्योंकि आप भी पुरुष हैं और हम भी पुरुष हैं। तो क्या करें, भाव तो मन में आता है, हमारी इस इच्छा को पूर्ण करो ना राम जी। तब राम जी कहते हैं, अभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, तो अभी तो ये सब नहीं कर सकता, लेकिन जब लीला पुरुषोत्तम बनकर आऊंगा तो तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करूंगा। वही जन्मों जन्मों की साधना करने वाले महात्मा इस जन्म में बने हैं गोपी। भगवान ने कृष्णा अवतार लेकर के उन सबके मनोरथ को पूर्ण किया है, उनकी साधना का फल उनको प्रदान किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। इस प्रकार महाराज लीला गोपियों को आनंदित किया। 11 वर्ष 11 महीना 11 दिन कृष्ण ने ब्रज में व्यतीत किए हैं, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं। मथुरा नगरी में रहता है कंस, जो बड़े बड़े राक्षसों को यहाँ भेजता था, लेकिन नारद जी ने आकर के कंस को थोड़ा सा बुद्धि दे दी है कि यदि कृष्ण को मारना है तो एक उपाय करो, अपने मथुरा नगरी में दंगल का कुश्ती का आयोजन करो। कृष्ण और बलराम को वृंदावन से मथुरा बुलवाओ और दंगल के बहाने उन दोनों का राम नाम सत्य करवा दो। तो कंस ने पूरी योजना बनाई, प्लानिंग की है कृष्ण और बलराम को मारने की। अपने मथुरा नगर में दंगल का कुश्ती का आयोजन रचा है, धनुष यज्ञ भी रचा है। पिनाक नामक धनुष जो कंस के यहाँ पर खजाने में जमा है। नारद जी ने कंस को बताया कि ये धनुष तुम्हारे पूर्वजों को नंदी ने दिया था और ये नंदी को भगवान भोलेनाथ ने दिया था। नंदी ने कहा था तुम्हारे पूर्वजों से, जब भी धनुष यज्ञ करोगे, यदि यज्ञ सफल हो गया तो तुम लोग अमर हो जाओगे, और यदि बीच यज्ञ में धनुष टूट गया तो तुम लोगों की मृत्यु निश्चित है। पर एक बात का ध्यान रखना, नारायण के सिवा उस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष को तोड़ सकता है वो तुमको छोड़ नहीं सकता। वो धनुष आज भी तुम्हारे खजाने में है, तो तुम कुश्ती का आयोजन रखो और साथ ही साथ धनुष यज्ञ भी करो। यदि यज्ञ सफल हो गया तो तुम अमर हो जाओगे, फिर तुम्हें मारने वाला कोई पैदा नहीं होगा। सारी व्यवस्थाएं की हैं अक्रूर जी के द्वारा। कृष्ण बलराम को वृंदावन से मथुरा लेकर के आया गया। मथुरा में आए हैं कृष्ण और बलराम। भगवान ने यहाँ मथुरा में आकर सबसे पहले रजक नाम के धोबी का संहार किया, कुबलिया पीड़ हाथी का संहार किया, सुदामा नाम के माली के ऊपर कृपा की, दर्जी के ऊपर भी कृपा की। ये सुदामा कौन है? वो सुदामा नहीं जो भगवान से मित्रता की थी, वो कथा तो हम कल सुनेंगे, वो सुदामा तो कल आएंगे। ये सुदामा नाम का माली था जो मथुरा में रहता था, भगवान ने उसके ऊपर भी कृपा की। यहाँ भगवान यज्ञशाला में पहुंचे, दर्शन करने के लिए गए और देखते ही देखते धनुष को एक हाथ से उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और हल्का सा झटका मार करके धनुष के दो टुकड़े कर दिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। सैनिकों ने सूचना दी महाराज कंस को, धनुष टूट गया। बोले किसने तोड़ा? बोले वृंदावन से आए हुए कृष्ण बलराम ने तोड़ दिया। अब तो रात भर कंस को नींद नहीं आई। नारद जी ने कहा था जो धनुष को तोड़ेगा वही तुमको मारेगा। रात भर सोया नहीं, कृष्ण को मारने की योजनाएं बनाता रहा। प्रातः काल दंगल का आयोजन, सारी व्यवस्थाएं हैं, स्त्री पुरुष, राजा महाराजा, छोटे छोटे बच्चे सब दंगल देखने के लिए आए हैं। सबके बैठने का स्थान 16 सीढ़ी ऊपर कंस का सिंहासन लगा है। उसी युद्ध भूमि में कृष्ण और बलराम भी पधारे, बड़े बड़े मल्लों के साथ में दंगल करने का आदेश दे दिया है कंस ने। बलराम जी कहते कृष्ण क्या करना है? कन्हैया कहते इस कंस का अभिमान चूर करने के लिए मल्लों के साथ में दंगल करना ही पड़ेगा। मुष्टिक चाडूर शल तो शल, बड़े बड़े मल्ल जैसे वहां पर पहुंचे कन्हैया, खेल ही खेल में एक एक करके सब मल्लों का संहार करते जाते हैं। सारे मल्लों का संहार किया, 16 सीढ़ी ऊपर कंस के पास में पहुंचे, केश पकड़ कर धरती पर पटका, आज मैं
तेरा वध करूंगा। कंस कहता है छोड़ दे कन्हैया, दर्द होता है। भगवान कहते हैं उस दिन ये दर्द नहीं हुआ जब मेरी माता देवकी के केश पकड़े। तेरी बहन थी, विवाह का शुभ समय, हाथों से मेहंदी भी नहीं छूटी और तू मारने को तैयार हो। आज मैंने केश पकड़े तो दर्द होता है, नहीं छोड़ूंगा आज मैं तुझे। कंस के केश पकड़ करके भगवान ने कंस को चार बार आकाश में घुमाया और घुमा करके धरती पर धड़ाम से पटका और 16 सीढ़ी नीचे धड़ाम से उसकी छाती पर कूद गए भगवान। हे मुक्का मारा कि कंस के भी प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस कोई रिश्तेदार था क्या आपका, जो बेचारा मर गया तो बड़ा दर्द हो रहा है? अरे थोड़ा जोश में भरकर बोलो, ऐसे पापी तो रोज मरने चाहिए। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कंस का संहार किया भगवान ने, देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त किया, नाना उग्रसेन जी को मुक्त किया, राज सिंहासन पर बिठाया, राज तिलक करवाया, मथुरा नगरी में फिर से धर्म की ध्वजा पताका फहरने लगी। कंस की दो पत्नी थी अस्ति और प्राप्ति, दोनों जरासंध की बेटी थी, दोनों मायके चली गई थी। जरासंध अपने दामाद की मृत्यु का बदला लेने 23 अक्षौणी सेना लेकर युद्ध करने आता है, पर भगवान बार बार उसको युद्ध में परास्त करते हैं। एक बार भगवान अपने मित्र उद्धव से मिलते हैं, वो उद्धव जिनको ज्ञान तो बहुत है लेकिन अपने ज्ञान का अहंकार है थोड़ा सा, कि वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तम। अभिमान तो परमात्मा किसी का देख नहीं सकते, उद्धव मित्र हैं लेकिन अभिमान है। तो भगवान ने मन में विचारा मैं कुछ कहूंगा तो इनको समझ नहीं आएगा, ये तो मेरा दोस्त है, मित्र समझकर मेरी बात टाल देंगे, पर कोई ऐसा इनको समझाए जिसका ये सम्मान करते हो तब इनको समझ आएगा। तब उद्धव जी महाराज को भेज दिया वृंदावन में, ज्ञानी उद्धव वृंदावन में जाकर किशोरी जो सखियों को ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं, पर गोपियों के प्रेम के आगे उद्धव का ज्ञान भी टिक नहीं पाया, गुदड़ी बन गई है ज्ञान की, प्रेम का ढोल बजने लगा। गए थे ज्ञानी बनकर लेकिन आए प्रेमी बनकर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। इस प्रकार उद्धव के अभिमान को भंग करने के लिए भगवान ने उद्धव गोपी संवाद लीला रची। 17 बार सेना लेकर के जरासंध आया, पर 17 बार युद्ध में परास्त किया भगवान ने। 18वीं बार सेना लेकर के जब जरासंध आने लगा तो महाराज ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठाकर आया, जाप करो, ऐसा अनुष्ठान करो कि युद्ध में मेरी जीत हो जाए, मैं जीत गया तो तुम लोगों को धन धान्य से परिपूर्ण कर दूंगा, हार गया तो तुम लोगों को मार दूंगा। अब ब्राह्मण लोग जब माला जपते हैं तो एक माला जपे और धीरे से भगवान से कहते हे भगवान आप हार जाना, फिर एक माला जपे और फिर धीरे से कहते हे भगवान आप हार जाना। तो ब्राह्मणों की संतों की तो सबसे पहले भगवान सुनते हैं। भगवान ने मन में विचारा अब ब्राह्मण कह रहे हैं कि हार जाना तो फिर हार ही जाते हैं। 18वीं बार सेना लेकर के आया तो कन्हैया निशस्त्र हो करके युद्ध भूमि में उतरे। जरासंध युद्ध करने आया तो भगवान रण छोड़कर वहां से भाग निकले और प्रभु का नाम पड़ गया रण छोड़ भगवान। बोलो रण छोड़ भगवान की जय हो। भागते भागते प्रवर्षण नाम के पर्वत पर चढ़ गए, जरासंध चढ़ नहीं पाया, नीचे से अग्नि लगा दी, कृष्ण बलराम जलकर खाक हो जाएंगे। भगवान ने छलांग मारी, समुद्र में कूद गए। विश्वकर्मा के द्वारा एक नगरी का निर्माण कराया, सोने की नगरी। योग माया से कहा जाओ मथुरा नगरी में सोए हुए जो मथुरा नगर के निवासी हैं उनको उठा करके लाओ और इस नगरी में सुला दो। लोग सोए थे मथुरा नगर में, जागे तो अनजान नगर में। हर व्यक्ति कहता है द्वार कहाँ द्वार कहाँ, उस नगरी का नाम ही पड़ गया द्वारिका।
और वहाँ के राजा बन गए द्वारिकाधीश। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बलराम जी का विवाह रेवती नाम की कन्या के साथ में हुआ। कन्हैया ने मन में विचारा, अब हमें भी आगे की लीला करने के लिए विवाह कर ही लेना चाहिए। तो प्रभु ने विवाह की सब योजनाएं तैयार करना शुरू कर दी। कुंडनपुर के राजा हैं भीष्मक जी महाराज, जिनकी कन्या है रुक्मिणी, भाई है रुक्मी। विवाह तय कर दिया है शिशुपाल के साथ में, पर रुक्मिणी जी तो कृष्ण को अपना पति मान बैठी है। विवाह की सब तैयारी हुई है शिशुपाल के साथ में, लेकिन रुक्मिणी जी ने अपनी भाभी को सारा वृत्तांत सुनाया। रुक्मिणी की भाभी बोली, चिंता मत करो, आप पत्र लिखो द्वारिकाधीश के लिए, ये पत्र द्वारिकापुरी भिजवाया जाएगा तो कन्हैया जरूर आपकी सुनेंगे। पत्र लिखा रुक्मिणी जी ने और उस पत्र में अपने सारे मन की बातें लिख दी। ब्राह्मण के द्वारा वो पत्र द्वारिकापुरी पहुंचा। ब्राह्मण देवता ने द्वारिकाधीश को वो पत्र दिया। द्वारिकाधीश ने जैसे ही पत्र पढ़ा सारी बात समझ गई। ब्राह्मण कहते हैं, महाराज सही समय पर आ जाना। कृष्ण कहते हैं, सही समय क्या, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। आ नहीं जाना, तुम्हारे संगी चलते हैं, जाना तो है ही, कल जाओ जाए आज चले जाओ। चल पड़े हैं ब्राह्मण के संग में, कुंडनपुर पहुंचे। विवाह की सब तैयारी, शादी से जब शादी की तैयारियां हो जाती हैं, दूल्हा बारात लेकर आ जाए तो कन्या कुल देवी के मंदिर में पूजन करने जाती है। रुक्मिणी जी भी कुल देवी के मंदिर में जा रही है पूजन करने। जैसे ही मंदिर में पहुंची, मैया की पूजा की है और क्या कह रहे हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश किया तो खसी माल मूरत मुस्काने, मैया की मूर्ति मुस्कुराने लगी। माला खिसक गई, रुक्मिणी जी के गले में आकर गिर गई। मैया समझ गई ये शुभ संकेत है, अब जो होगा अच्छा ही होगा। जैसे ही मंदिर से बाहर कदम रखा तो द्वारिकाधीश प्रकट हो गए, देवी जी जल्दी से आकर रथ में बैठ जाओ, मैं आ गया हूँ। रुक्मिणी जी दौड़ी दौड़ी छम छम करती आई। रथ में जैसे ही बैठी तो देखने वाले लोग कहते, भैया रुक्मिणी की जोड़ी तो द्वारिका नाथ के साथ में अच्छी लगती है, वो शिशुपाल तो बंदर जैसी आंखों वाला है, उसके साथ में जोड़ी जमती नहीं है। जैसे ही प्रभु ने लगाम खींची, रथ बढ़ाया, एक सैनिक दौड़ा दौड़ा आया, बोले ले गया ले गया ले गया, रुक्मिणी का हरण करके ले गया। पूरी सेना दौड़ी। द्वारिकाधीश बोले रुक्मिणी से, देवी जी अब तुम भी तो कुछ करो, हम रथ चलाएं कि युद्ध करें। रुक्मिणी जी बोली, क्या करूं बताओ। कन्हैया कहते हैं, आप चलाओ रथ, हम करते हैं युद्ध। रुक्मिणी जी रथ चला रही है तो देखने वाले लोग कहते हैं, कृष्ण रुक्मिणी को भगा के नहीं ले जा रहे, हमारी तो रुक्मिणी कृष्ण को भगा के ले जा रहे। द्वारिकाधीश भगवान पूरी सेना का संहार करके रुक्मिणी को लेकर के जाते हैं। द्वारिकापुरी पहुंचे। यहाँ द्वारिकापुरी में जैसे पहुंचे, माता देव की वसुदेव, माता देव की आरती थाल लेकर के आई, पूजन किया, भीतर प्रवेश कराया। वसुदेव जी ने पत्र लिखा राजा भीष्मक के लिए, आपकी कन्या यहाँ आ गई है, तो आप भी कुंडनपुर निवासियों को लेकर के आइए और विधि विधान से कुंडनपुर वासियों के साथ में अपनी बेटी का विवाह कीजिए। अब देखो कन्हैया ने रुक्मिणी को भगाया। बहुत से लोग यहाँ पर भी तर्क करते हैं, आजकल लड़का कोई लड़की को भगा ले तो कौन बुरी बात है, भगवान ने भी तो भगाया ना,
अच्छी बात थोड़ी है दूसरे की बेटी को भगाना। अरे उसकी शादी हो रही थी, तैयारी हो रही थी, सब व्यवस्था थी, और बताओ कन्हैया भगा करके। भगाना तो अच्छी बात है, विवाह करना था तो प्रस्ताव लेकर जाते, अच्छे से मांगते कन्या का हाथ, तो भगाना अच्छी बात है। पर हमारे कन्हैया ने तो भगाया भैया। अब कैसे भगाया और क्यों भगाया, अगर तर्क किसी के भी बुद्धि में आ रहा हो तो कल कथा में जरूर आना। क्यों भगाया इसका जवाब हम कल देंगे। आइए अभी विवाह का आनंद लेते हैं। पूरी द्वारका पुरी में उत्सव मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, धुंधबिया बज रही हैं, जगह जगह पर रंगोलियां सजी हैं, दीप प्रज्वलित हैं, पूरी द्वारका नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई है। तो आइए भगवान की सुंदर सी रुक्मिणी रमण की झांकी का दर्शन करते हैं और भगवान के विवाह में सम्मिलित होते हैं। बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, जय जय श्री राधेश। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे I'm not
कोई शर्माना मत, जिसका नाचने का मन करे नाच ही लेना, संकोच मत करना। विवाह का उत्सव है, ऐसा मौका है। बेटा बेटी की बारात में तो नाचते ही हो, और ये ठाकुर जी की बारात है, तो हमारे जो आज के यजमान हैं वे पूजन कर रहे हैं। बाकी कोई और भी जो भी बाद में चाहे वो धीरे धीरे पूजन कर सकता है। और नृत्य गान करते समय कैसे नृत्य गान करेंगे? बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और कैसे नृत्य गान करेंगे? जोश में भर कर दोनों हाथ उठाकर कैसे? मैनू नचना मोहन दे लाल, आज मैनू नचे रे दे। मैनू नचना मोहन दे लाल, आज मैनू नच ले दे। तो नाचोगे बेच बाजार, आज मैं नाचोगे।
भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे, भगत सब, भगत सब नाचो रे, 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 आज नहीं तो कब नाचोगे, आज नहीं तो कब नाचोगे, आज नहीं तो कब नाचोगे, आज नहीं तो द्वारिकापुरी में विवाह उत्सव को मनने देते हैं। आगे की कथा हम कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। कितने विवाह हुए थे भगवान के? 16,108 अत्यधिक विवाह किए थे भगवान ने, तो वो सभी विवाहों का प्रसंग कल की कथा में श्रवण करेंगे। भक्त सुदामा का चरित्र भी श्रवण करेंगे। कथा की जो 7 दिन की श्रृंखला है वो 7वां दिन कल है, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में आप सभी कल 7वें दिन कथा सुनने, विश्राम दिवस में कथा सुनने के लिए जरूर पधारेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए प्रेम से सभी आरती का दर्शन करेंगे, तत्पश्चात प्रसाद लेकर, लंगर प्रसाद लेकर ही घर को प्रस्थान करेंगे।